या सिद्धांत में भी है या व्यवहार में भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी राष्ट्रीय आय से हमारा सामना होगा, और सिद्धांत में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पहला चैप्टर ही हमारा लगभग लगभग ही आ जाएगा राष्ट्रीय आय का। तो इसी वजह से व्यवहार और सिद्धांत को एक साथ इसमें जो दोनों समाहित हैं उसके कारण से इसका विस्तार थोड़ा सा हो जाता है अपेक्षाकृत ज्यादा। तो इसमें क्या क्या चीजें या क्या क्या बिंदु है जिसको हमको पढ़ना है, इसके संबंध में एक हम आपको आउटलाइन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पढ़ना है हमको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, वो अब क्या क्या चीजें पढ़नी है जिसको पढ़ने से पूरा राष्ट्रीय आय में जितनी इसका विस्तार है, जितनी तथ्य है, जितना इसका विषय वस्तु है, सब समझ में आ जाएगा। उसको अगर हम स्पष्ट करने की कोशिश करें तो कुछ बिंदुओं के तहत उसको हम रखते जाएंगे, और उन सभी को पढ़ने के साथ हम ये समझ लीजिए कि पूरा राष्ट्रीय आय आपका स्पष्ट हो जाएगा। पहला क्या है, संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स। राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के संबंध में कुछ संकल्पनाएं हैं जिसके आधार पर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो वो चीजें क्या हो गई, आपकी पहली संकल्पना है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो सबका हमारा होगा वो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने संबंधित विविध संकल्पनाएं, जितने प्रकार की संकल्पनाएं हैं उनको जानना। दूसरा हो गया, दूसरा आपका हो गया मापने का आधार। राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है, उन सभी को मापने का आधार क्या है, किन आधारों पर उनकी गणना या उनका मापन किया जाता है, यह दूसरा मुख्य बिंदु हो गया जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमको पढ़ना और समझना होता है। ठीक है, तीसरा बिंदु जो हो गया वो हो गया राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को जितने भी प्रकार से मापा जा सकता है, जिन विधियों के द्वारा उसकी गणना की जा सकती है और उसको व्यक्त किया, संकलन किया जा सकता है, उन सबको हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ते हैं, शामिल करते हैं। मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, कितने बिंदु हो गए। पहला हो गया राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने की जिन भी माध्यमों से, जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को व्यक्त करते हैं उससे संबंधित संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रीय आय को जिन जिन आधारों पर मापा जाता है, उनकी गणना की जाती है, वो हो गया आपका दूसरा राष्ट्रीय आय को मापने के आधार विविध जितने भी होंगे। और तीसरा हो गया राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। और चौथा जो बिंदु हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है वो है भारत के या भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय के संबंध में जो उसकी दिशा और दशा है, वर्तमान में जो स्थिति है, जो निकट भविष्य में प्रगति की दिशा रही है, प्रगति की दशा रही है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय संबंधी विविध प्रकार के तथ्य आंकड़े और उन तथ्य और आंकड़ों का विश्लेषण। इतना सब राष्ट्रीय आय का जो विस्तार है, वो समस्त विस्तार, वो सभी विस्तार, वो इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत समाहित है। इन सबको हमने अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो राष्ट्रीय आय जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी है, जो भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है, वो सब इस बिंदु, इन बिंदुओं के अंतर्गत पूरी तरह से समाहित होते हैं। इन बिंदुओं में ही पूरी राष्ट्रीय आय जो भी आवश्यक है, जितना भी उसका विस्तार है, इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो आइए संकल्पनाओं की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट के संबंध में अगर हम आपसे बताना चाहें, कहना चाहें, तो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के कई संकल्पनाएं या कई प्रकार से राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त करने संबंधी संकल्पनाएं कहेंगे, कॉन्सेप्ट्स।
रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो ये जो संकल्पनाएं हैं, अगर हम आपको इनके संबंध में इसकी चर्चा करेंगे तो आप स्पष्ट जानिए कि जो जो हम बताएंगे आपको कि राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त करने के संबंध में जिन संकल्पनाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो चार प्रकार की होती हैं। जब उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो उन सबके बारे में निश्चित तौर पे आप सब ने सुना होता है, आप सब सुने होते हैं उसके बारे में, लेकिन समझ विकसित करेंगे। यहाँ पे सुनना नहीं है, समझना है हमको। इस समझ के आधार पर, इस समझ का अनुप्रयोग या इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल में इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उस समय जरूरत पड़ेगी, उस समय हमको अपनी इस समझ का यहाँ जो यहाँ पे समझते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे वहां पे। तो हमको समझना है, समझना इस स्तर से है ताकि इससे संबंधित प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो हम उसको सही सही बिना शको सुबह उसको हल कर सके। तो आइए संकल्पनाओं को देखते हैं। चार प्रकार की संकल्पनाएं होती हैं राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के संबंध में, और उन चारों को हम यहां पे अब स्पष्ट करेंगे। जो पहली संकल्पना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है या अभिव्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वो है सकल घरेलू उत्पाद। जो पहली संकल्पना या कॉन्सेप्ट जिससे राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है वो हो गई आपकी सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसको हम संक्षेप में कहते हैं जीडीपी, या राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने संबंधी बिल्कुल पहली संकल्पना है। तो पहला क्या हो गया, या इसको कहेंगे हम जीडीपी। पहली संकल्पना जीडीपी। दूसरी संकल्पना जो जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को व्यक्त करते हैं वो हो गई आपकी, पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, उसको कहते हैं, इसको हमने कहा सकल घरेलू उत्पाद। जो दूसरी संकल्पना जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वो होता है शुद्ध या निवल। देखिए शुद्ध को ही हम निवल भी कहते हैं। अधिकांश अर्थशास्त्र की किताबों में शुद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो निवल होता है, नेट। ठीक है, तो दूसरी जो संकल्पना हो गई वो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरी संकल्पना जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है उसको कहते हैं जीएनपी, या इसको अगर हम पूरा इसका नाम लें तो कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या जीएनपी। इसको संक्षेप में जब हम व्यक्त करते हैं तो लिखते हैं। और चौथा हो गया आपका अंतिम, और चौथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या इसको जब हम व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं तो कहेंगे एनएनपी संक्षेप में। तो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने संबंधी जो संकल्पना है जिनसे हमारा सामना होता है, जिससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं प्रायः विगत में भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में, चूंकि ये अर्थशास्त्र विषय से संबंधित हो गया तो इसमें कॉन्सेप्ट भी हो गया, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो राष्ट्रीय आय के तथ्य और आंकड़े होंगे वो भी इसमें समाहित हो जाएंगे। बहुत ही महत्व का ये टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो संकल्पनाएं जिनको हमको सबसे पहले पढ़ना है उसमें सकल घरेलू उत्पाद पहली संकल्पना, दूसरी संकल्पना हो गई आपकी शुद्ध घरेलू उत्पाद, तीसरी संकल्पना जिससे हम राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त करते हैं वो हो गई सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी, और चौथी हो गई शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखिए पहला क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं इसको, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और संक्षेप में जब इसको दिखाते हैं तो कहते हैं जीडीपी। क्लियर है? पहली संकल्पना जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, सामने रखते हैं, वो है सकल घरेलू उत्पाद। अब हम अगर
सब लोग अवेयर हैं, सब परिचित हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। कौन ऐसा होगा जो जीडीपी नामक शब्द ना सुना हो? समाज में रहने वाला, खासकर तैयारी करने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऐसा कोई नहीं होगा जो जीडीपी का नाम नहीं सुना हो। लेकिन समझते कितने लोग हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी वस्तुतः है क्या, जीडीपी का विस्तार क्या है, इसके विविध पक्ष क्या है, अर्थव्यवस्था के संबंध में इसकी उपयोगिता क्या है, अर्थव्यवस्था के को यह किस रूप में प्रभावित कर सकता है, या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके बारे में क्या, या इसको जानने के बाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमको क्या संकेत मिलता है। ये सारी चीजें जो कि इस जीडीपी से जुड़ी हुई हैं, हम तभी समझ पाएंगे जब इस कॉन्सेप्ट को सकल घरेलू उत्पाद कहते किसको है इसको स्पष्ट ना जान पाए, समझ लें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जानते तो हैं, नाम तो सुना है, जानना और नाम सुनने में अंतर होता है, जानते तो हैं जीडीपी, सॉरी नाम तो सुना है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट रही है, कोरोना पैंडेमिक के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण जीडीपी के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जीडीपी हमारी नकारात्मक हो गई। सारी चीजें हम पेपर, पत्रिका, न्यूज, टीवी वगैरह में देखते सुनते रहते हैं। लेकिन जितने लोग इसको देखते सुनते हैं, जीडीपी के शब्द, जीडीपी का शब्द कान में जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वस्तुतः जीडीपी है क्या। आइए समझते हैं जीडीपी क्या है। देखिए साथ में रहेंगे, समझने की कोशिश करिए। ये सैद्धांतिक पहलू है, सैद्धांतिक पक्ष है, किताबों में इसकी एक विशिष्ट भाषा होती है, उस विशिष्ट भाषा के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है, और विशिष्ट भाषा होने के कारण कभी कभी वो हमारी समझ में नहीं आती है, तो चार लाइन, दो लाइन, तीन लाइन जितने भी परिभाषा है पढ़ लेते हैं, उसके बाद से समझ में आती नहीं है तो कहते हैं चलो कम से कम पढ़ तो लिया। विशिष्ट भाषा होने के कारण, टेक्निकल लैंग्वेज होने के कारण, हर विषय की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट के दायरे में उससे संबंधित शब्दावलियां भी होती हैं, टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र से संबंधित, इसकी भी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, उसी टर्मिनोलॉजी को हम नहीं समझते हैं, और जानते हैं क्या होता है, ना समझने के कारण हम अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाते हैं, अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उसको हम लागू करके सिद्धांतों को देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जीडीपी में वृद्धि हो रही है, एक लाइन होगा, अगर जो जीडीपी को नहीं समझेगा तो जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसके लिए सिंपल एक लाइन होगा, लेकिन जो जीडीपी क्या है इसको समझता है तो उसके सामने ये तथ्य रखे कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो उसके कई पक्ष उसके दिमाग में घूम जाएंगे, जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ रहा है तो उसमें जो वृद्धि हो रही है उसका स्वरूप क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था पे मतलब उससे संबंधित कई चीजें विश्लेषण कर सकता है। और यकीन जानिए इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। आइए अगर हम परिभाषित करें जीडीपी को, तो जीडीपी को जब हम परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू ध्यान दीजिए इसमें, एक देश के एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, विशेष बल दिया जा रहा है घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों का योग उस वर्ष के लिए उस देश का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय आय बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय से संबंधित जितनी संकल्पनाएं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी जो भी होती हैं, उन सब की गणना एक वर्ष की समय अवधि के लिए होती है। उन सब में जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, कई प्रकार की विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की समय अवधि में, लेकिन उन सभी वस्तुओं में से किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के मूल्य की गणना की जाती है। इसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया था इसके पहले वाले वीडियो में, डेमो फर्स्ट में, तो उसको एक बार अगर आप गो थ्रू होते हैं तो यहां समझने में और सुविधा और आसानी हो जाएगी। तो सकल घरेलू उत्पाद
को हमने परिभाषित किया, एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसको इसका स्वरूप, जो जीडीपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसको स्वरूप देता है, इसके रूप आकार को नियत करता है, वो क्या है? वो डी है। डी मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। जो कि हमने आपको परिभाषा के दौरान ही कहा कि एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहलाता है। अब एक बात स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ये आना चाहिए, ये प्रश्न आना चाहिए कि घरेलू सीमा से आशय वस्तुतः क्या है। देखिए, जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो अक्षर होते हैं, जो परिभाषा होती है, तो वो किताब के अक्षर आपसे नहीं पूछते हैं कि भैया आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आया, नहीं आया तो बताओ, फिर कहते हैं। जब आप किसी शिक्षक से, किसी विशेषज्ञ से पढ़ते हैं तो उसके साथ आपके पास ये संभावना रहती है या ये स्थिति रहती है कि आप उससे पूछ सके कि भाई क्या है वस्तुतः, इसको आप हमको एक बार और समझा दीजिए, बता दीजिए। तो इस सकल घरेलू उत्पाद को जब हम परिभाषित कर रहे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद में हमने आपको क्या बताया कि इसके स्वरूप को निर्धारित कौन करता है? घरेलू शब्द, या घरेलू शब्द को हम यहां पर जब देखते हैं तो क्या उसका मतलब है? घरेलू सीमा। घरेलू शब्द का मतलब क्या है? घरेलू सीमा। अब जब हम घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये इसके रूप स्वरूप को निर्धारित या नियत करता है, तो वस्तुतः घरेलू सीमा से क्या आशय है? स्वाभाविक प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक क्षेत्र है, 32,87,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर जो है, उसमें से जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, ये देखिए भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है। तो भारत की जब हम घरेलू सीमा की बात अर्थशास्त्र में के राष्ट्रीय आय टॉपिक के अंतर्गत जब हम जीडीपी को पढ़ते हैं या समझते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आता है घरेलू सीमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व का है। तो उसको हम अगर हम व्याख्यायित करें, स्पष्ट करें, तो उसका मतलब एक बात दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि देश की घरेलू सीमा जो यहां पे प्रयुक्त हुई है, उसका मतलब ये देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री या भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग है। देश की घरेलू सीमा और देश की भौगोलिक सीमा दोनों में बिल्कुल समान नहीं है, समानता बहुत हद तक एक दूसरे के करीब है, नजदीक है, लेकिन दोनों वस्तुतः एक नहीं है, यह स्पष्ट दिमाग में रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम जीडीपी को परिभाषित करने के क्रम में घरेलू सीमा जो आता है उसका हम उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको बारे में समझते हैं, तो हमारे सामने जो चीज आती है, जो बातें आती हैं कि घरेलू सीमा के संबंध में, वो ये है कि घरेलू सीमा में जिन घटकों को शामिल किया जाता है या घरेलू सीमा में जिन घटकों को, जो घटक शामिल होते हैं जिनसे घरेलू सीमा बनती है, उसमें सबसे पहला क्या है? देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो ये हमारी आउटलाइन है, जितने में हमारा भारत का विस्तार है, उस सभी उसके अंतर्गत जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष की समय अवधि में हुआ है, वो देश की जीडीपी में शामिल होगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब कुल, घरेलू मतलब घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित हुआ, और उत्पाद मतलब उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो एक वर्ष की समय अवधि में हमारी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उन सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों को जब हम का योग कर लेते हैं, तो जो समय हमारे सामने आता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो उसमें से घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या देख रहे हैं? सबसे पहले भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल ही पूरे घरेलू सीमा को व्यक्त नहीं करता है, इस परिभाषा के दृष्टिकोण से जो घरेलू सीमा का तात्पर्य है या अर्थ है या मतलब है, संदर्भ है, उसमें क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। उसमें है ये जो बाउंड्री लाइन है, ध्यान दीजिए,
ये जो चीज है, क्योंकि हम हमारा देश जो है सागर से भी इसका तट लगता है, समुद्र से भी इसका तट लगता है, समुद्र तटीय राष्ट्र है हम। तो जो यूएन की ट्रीटी है वो ये कहती है कि जो भी देश, जिस भी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो, या तट समुद्र से लगता है, तो वहां तट से लेकर के और 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ईईजेड। 200 नॉटिकल माइल तक क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो भी देश जिसकी सीमा समुद्र से लगती है उस तट से लेकर के समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक के अंतर्गत इस समुद्र की जो भी संसाधन या संपत्तियां हैं, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनके दोहन का एकाधिकार उस देश को प्राप्त होता है जिसकी तट, जिसका तट उस समुद्र की या सीमा, समुद्र की सीमा से लगती है। मतलब भारत में, अगर हम भारत की घरेलू सीमा की बात करेंगे तो इसमें पहला क्या शामिल हो गया? भारत का भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा शामिल हो गया भारत की या 200 नॉटिकल माइल की समुद्री सीमा। तो समुद्री तट, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी घरेलू सीमा में, राष्ट्र जीडीपी के संदर्भ में जो घरेलू सीमा उसके अंतर्गत ये भी शामिल है। मतलब एक वर्ष की समय अवधि में सिर्फ इस भौगोलिक क्षेत्र या हमारी भूभाग के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है सिर्फ उसी को शामिल नहीं करते हैं, उसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं, इसके तट से लेके 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका निष्कर्षण करने की पूरी छूट उस तटवर्ती देश अर्थात भारत की है, और उससे भी उसको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसका भी मूल्य होता है, बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य निष्कर्षण होता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहां से समुद्र से जो है बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र से खनिज तेल प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। ये सभी क्या है? ये वस्तुओं से, वस्तुओं के उत्पादन है, और वो हमको कहां से मिलता है? वो समुद्र से मिलता है। घरेलू सीमा के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र तो शामिल है ही है, प्लस इसके साथ ये शामिल है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि हमारा जो वस्तुओं का निर्यात होता है, निर्यात मतलब या आयात भी होता है, तो जो हम एक देश का अन्य देश को वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है उसका 80% से ज्यादा समुद्र के माध्यम से होता है, शिपमेंट के द्वारा। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि भारत का कोई पानी का जहाज है जो कि दक्षिण अफ्रीका जा रहा है, तो जब वो इस सीमा से बाहर निकलता है और दक्षिण अफ्रीका की तरफ अग्रसर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो ना तो भारत की ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है और ना अपने भौगोलिक सीमा के अंदर है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में स्थित हो गया, भारत का उसके ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन जीडीपी को परिभाषित करने के संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि जो भारत का पानी का जहाज जिसके माध्यम से वस्तु का निर्यात किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका को, जब ये हमारे सीमा को छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जाता है या किसी अन्य देश के क्षेत्र में जाता है, तो उस समय वो जिस समय बिंदु पर जिस जगह पर रहता है और जितनी जगह घेरता है वो जगह उस समय बिंदु पर उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है जिस देश का वो पानी का जहाज है। जैसे भारत का है तो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जहाज है वो भारत का है, सामान निर्यात हो रहा है, भारत का निर्यात हो रहा है, जहाज में अधिकांश कर्मचारी भारत के हैं, सभी मोटिव को सर्व हो रहा है, वो किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। तो वो इस जरूरी नहीं है कि भारत के अंदर भौगोलिक सीमा के या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर है तभी उसको जो है मांगे। ये जिस समय बिंदु पर जहां पे होगा, जैसे मान लीजिए कि इस समय जब हम आपको ये इस बारे में बता रहे हैं वो इस समय बिंदु पे यहां पे है, तो जितने क्षेत्र में ये जगह घेरता है उस समुद्र में वो क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत स्वीकार की जाएगी या मानी जाएगी सकल घरेलू उत्पाद में जो परिभाषा देते हैं घरेलू सीमा उसके संदर्भ में। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका जैसे ये तो आपका हो गया समुद्री परिवहन, वायु परिवहन के माध्यम से यात्रियों का जो जितना आवागमन होता है मोस्टली वायु परिवहन के द्वारा होता है, एयरवेज से होता है, वायु मार्ग से होता है। अब अगर मान लीजिए कि एयर इंडिया का विमान
यहाँ भारत के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो टेक ऑफ करता है लंदन जाने के लिए, लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डा पे उतरता है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत की घरेलू सीमा को अगर हम यहां स्पष्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि जिस समय बिंदु पर जो परिभाषा दी गई है घरेलू सीमा की जीडीपी के अंतर्गत, उसके संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, भारत एयर इंडिया का प्लेन जब हमारे देश की सीमा को छोड़ता है और जिस भी देश की सीमा में रहता है या वो वहां पे लैंड भी कर गया हीथ्रो हवाई अड्डे पे, हीथ्रो हवाई अड्डे पे जितना जगह घेर रहा है एयर इंडिया का वो प्लेन, जितना क्षेत्र घेर रहा है एयरपोर्ट पे, वो क्षेत्र इंडिया का प्लेन है तो इंडिया की घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा या परिभाषित किया जाता है या समझा जाता है। वस्तुतः है नहीं, लेकिन जीडीपी के परिभाषा में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या घरेलू सीमा है उसके संदर्भ में इसकी चर्चा हो रही है। ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो एयर इंडिया का प्लेन है वो भारत की घरेलू सीमा के बाहर जहां भी रहेगा जिस समय बिंदु पे, उस समय बिंदु पे जितना क्षेत्र घेरेगा वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगी। तीसरी चीज हो गई, देखिए भारत की घरेलू सीमा किन किन घटकों से या किन किन चीजों से मिलकर बनती है उसके बारे में आप स्पष्ट हो रहे हैं। स्पष्ट पहले आपने क्या किया कि ये जो पूरा आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, उस जमीन पर उस भूभाग में जितना उत्पादन होता है एक वर्ष की समय अवधि में वो तो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत है, अर्थात भारत का भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अंतर्गत जितना भी निष्कर्षण करते हैं आप संसाधनों का समुद्र के अंतर्गत जो स्थित है उनका, ये क्षेत्र भी हो गया भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत। आपके पानी का जहाज जहां 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 जिस समय बिंदु पर रहता है उस समय बिंदु पर जितना क्षेत्र घेरता है वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आ गई। आपके एयर इंडिया का प्लेन भारत की सीमा छोड़ने के बाद जिस समय बिंदु पे जहां पे रहता है और जितना जगह घेरता है वो क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आ गई। प्लेन एयर इंडिया प्लेन जो है इंडिया का, प्लेन के अधिकांश कर्मचारी इंडिया के, उससे जो आय प्राप्त हो रही है वो इंडिया को प्राप्त हो रही है, सारे मोटिव सर्व हो रहे हैं, किसके सर्व हो रहे हैं, इंडिया के सर्व हो रहे हैं। तो वो जिस समय बिंदु पे चाहे जहां हो वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत मानी जाएगी। तीसरी चीज जो होती है, चौथी चीज जो है जो घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होती है वो क्या होता है, आधुनिक समय में ही नहीं विगत समय में भी हम इतिहास के पन्नों को पलट के भी देखेंगे तो राजदूत हुआ करते थे, दूत होते थे जिनको कहते, इस राज्य का दूत उस राज्य में गया संदेश वाहक बन करके और उसने संधि का प्रस्ताव रखा। उसी तरह से आज भी दो देश, दो स्वतंत्र और संप्रभु देश एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं वो संबंध दूतावास के माध्यम से रखते हैं, एम्बेसीज के माध्यम से रखते हैं। एक देश अन्य देश से जो संपर्क रखता है वो दूतावास के माध्यम से रखता है। भारत का दूतावास वाशिंगटन डीसी में है यूएस में, यूएस का दूतावास भारत के दिल्ली में है, यूएस का दूतावास जो यहाँ पे स्थित है वो भारत के हित को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के हित को साधने के लिए नहीं है, वो अमेरिका के हित को साधने के लिए है, संपर्क स्थापित करने के लिए वो यहाँ पे स्थित है। इसी तरह से भारत की एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में है तो है तो उनके देश के अंदर, उनकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, लेकिन उसको वो अमेरिका के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, अमेरिका के लाभ के लिए नहीं है, वो भारत के हित को आगे बढ़ाने के लिए है। तो अगर भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने एम्बेसीज होंगे विदेशों के, जितने भी दूतावास होंगे, जैसे यूएस का दूतावास जो है, यूएस एम्बेसी जो है वो भारत के दिल्ली में स्थित है और मान लीजिए कि 4 हेक्टेयर में उसका या 4 एकड़ में क्षेत्रफल में वो स्थापित है या स्थित है, तो ये जो वाशिंगटन सॉरी यूएस का दूतावास भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 4 एकड़ में है, ये 4 एकड़ जब हम जीडीपी को परिभाषित करेंगे तो वो भारत की घरेलू सीमा में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसी तरह से जो भारत का, भारत की एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में है, यहां पे है, वो जितने भूभाग पे स्थित होगी, जितने क्षेत्र को घेरेगी, वो सारा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा के अंतर्गत उसको अगर देखना चाहेंगे तो भारत की एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है जितने भूभाग पे स्थित है वो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगी।
स्पष्ट इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब कहने का यह है कि किसी देश की घरेलू सीमा जीडीपी के संदर्भ में जो घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग हो रहा है वो घरेलू सीमा और उस देश की भौगोलिक सीमा या भौगोलिक क्षेत्र दोनों एक नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब देखिए अंटार्कटिका पे या आर्कटिका पे अगर वहां के परिवेश के अध्ययन के लिए भारत कोई वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित करता है तो जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है और आर्कटिका का क्षेत्र है वो दोनों क्षेत्र जो हैं जो नॉर्थ और साउथ वो है पॉइंट है ग्लोब के वो जो है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र माना था, उसके ऊपर किसी की भी संप्रभुता या किसी का भी किसी भी देश का अधिकार नहीं है। लेकिन जब भारत वहां के परिवेश का अध्ययन करने के लिए शोध करने के लिए वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित करता है तो जितने भूभाग पे आर्कटिक या अंटार्कटिका के जितने भूभाग पे वो वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित होगा वो भारत का वैज्ञानिक स्टेशन है, तो जीडीपी की परिभाषा में प्रयुक्त घरेलू सीमा शब्द के संदर्भ में वो भारत की घरेलू सीमा में समझा जाएगा। इसी तरह से पीस कीपिंग फोर्स है हमारी, कहीं गई हुई है, वो जितने क्षेत्र में तंबू डाल के रहती है वो क्षेत्र हमारे देश की सीमा में स्वीकार किया जाएगा। पीस कीपिंग फोर्स यूएन के माध्यम से नहीं गई है, भारत और उसका बायलेटरल अगर कोई इस तरह का वो है समझौता है तो उस संदर्भ में गई है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं, कहने का मतलब आपको इस चीज को बताने का मतलब ये था कि जब हम जीडीपी के बारे में जब हम जीडीपी के बारे में कहते हैं तो ये घरेलू सीमा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि कॉन्सेप्ट में केवल शब्द का अर्थ ही या शब्द को पढ़ लेना उसको रट लेना बहुत फ्रूटफुल नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट से क्या बताने की कितना उसका विस्तार है, कितने उसके पक्ष हैं, उस सबको जब हम जानते हैं तब आप कह सकते हैं कि उस वो कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। आप देखिए छोटी सी बात है, दो लाइन की परिभाषा है, एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग उस वर्ष के लिए उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन आपने देखा कि इसकी सूक्ष्मता कहां है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना है। उस संदर्भ में हमने आपसे कहा कि जीडीपी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी में से जीडीपी को सबसे अलग करती है वो क्या है, ये डी है, डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा। इस घरेलू सीमा के आधार पर ही जीडीपी को हम व्याख्यात या परिभाषित करते हैं। घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की समय अवधि में जीडीपी की मापन का या गणना करेंगे मेजरमेंट करेंगे या जीएनपी क्या करेंगे या एनडीपी क्या करेंगे या एनएनपी क्या करेंगे, सबकी गणना एक वर्ष की समय अवधि के लिए होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और सब में जो दूसरी चीज का मन है वो ये है कि सबके अंतर्गत अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। अब एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जैसे हम जीडीपी की ही बात कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में जीडीपी की ही बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय आय की ही बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की, या नेशनल इनकम से संबंधित किसी भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज स्पष्ट इस बात को समझिएगा कि इसमें जो जिससे मिलकर के जीडीपी बनता है या नेशनल इनकम बनता है या एनडीपी बनता है या एनएनपी या जीएनपी जो भी इससे संबंधित संकल्पना या कॉन्सेप्ट है वो बनता है, उसमें जो आय प्राप्त होती है या जिस मूल्य की गणना की जाती है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही मात्र होता है, अन्य किसी भी चीज की आय को या उससे उसके मूल्य की गणना या उसको हम उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना या जीडीपी गणना नहीं करते, हम राष्ट्रीय आय की ही बात करते हैं। सपोज करिए राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय तभी उत्पन्न होगा, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम तभी जनरेट होगा जब उत्पादन हो, ध्यान दीजिएगा,
बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं समझने के लिए, लेकिन वो समझने के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी जाती हैं। राष्ट्रीय आय तभी सृजित होगी, तभी उत्पन्न होगी जब उत्पादन होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को। राष्ट्रीय आय के सृजन का एकमात्र स्रोत उत्पादन है। अन्य किसी भी माध्यम से अगर आय प्राप्त होती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की ही नहीं जाती है। स्पष्ट दिमाग में अपने बिठा लीजिए, ये स्थिति होती है। राष्ट्रीय आय के सृजन की संभावना सिर्फ और सिर्फ यह माध्यम क्या है, उत्पादन है। अन्य किसी भी माध्यम से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है। और उत्पादन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है वो या तो वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है। या तो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा, दो ही प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में जो भी आय सृजित होती है उस आय के सृजन का माध्यम या स्रोत क्या है, या तो वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन। अन्य किसी भी माध्यम से अगर हमको आय प्राप्त होती है उसकी गणना राष्ट्रीय आय में कतई नहीं की जाती है। परिभाषा ही यह है। परिभाषा क्या है, एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग। ध्यान, आप समझ में आया इस परिभाषा का क्या मतलब हुआ। और अगर अन्य किसी भी माध्यम से हमको राष्ट्रीय आय हमको आय प्राप्त होती है उसकी गणना राष्ट्रीय आय में कतई नहीं की गई। जब हमारी जो आय प्राप्त हो रही है वो आपको पढ़ाने की एवज में प्राप्त हो रही है, पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उत्पादन में हम योगदान दे रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा शिक्षा का उत्पादन हो रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, मतलब सेवा का उत्पादन हो रहा है, जनरेशन ऑफ सर्विस। उस सेवा के उत्पादन के बदले में हमको यहां से कुछ प्रतिफल या रिटर्न या मानदेय प्राप्त होता है, इसको पारिश्रमिक कह सकते हैं। वो मान लीजिए कि 1,000 रुपए है, तो ये जो 1,000 रुपए इस सेवा के उत्पादन के कारण जो हमको प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी। क्लियर है इतना। अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से बिना उत्पादन में योगदान दिए किसी भी अन्य माध्यम से कहीं से भी अगर हमको आय प्राप्त होती है, पैसा हमारी जेब में आता है, उसकी गणना राष्ट्रीय आय में कतई नहीं की जाएगी। एक बात अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। अगर हमारे घर में, उदाहरण लीजिए, अगर हमारे घर में कोई आता है तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं या उस महोदय जो कि हमारे मेहमान होते हैं उनसे जो छोटे लोग होते हैं घर में, जाते समय कुछ दान दक्षिणा भी होती है, ठीक है। तो घर में बच्चा है, जाते समय उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला, उनके पास पैसा भी ज्यादा है, पर्स जो है काफी मोटा है, उस पर्स से पैसा निकाला, 2,500 रुपए की नोट, 2,000 रुपए की नोट वो निकाल के बच्चे की जेब में रखने की कोशिश करते हैं। सामान्य परंपरा होती है, हम लोग इस चीज वाकिफ हैं, अवगत हैं, हमारा सबका लगभग अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लड़के को सिखाया गया रहता है कि किसी से पैसा नहीं लेना, अच्छी आदत ये नहीं समझी जाती है। उस सीख को वो भले माने या ना माने, लेकिन चूंकि उसका अभिभावक सामने खड़ा है, उसके डर से वो कहता है नहीं नहीं जाने दीजिए, रहने दीजिए, पैसे क्या, रहने दीजिए, हम नहीं लेंगे। तो वो फिर एक बार इंसिस्ट करता है कि अरे रख लो बेटा, कुछ खरीद लेना, कुछ खा लेना। तो फिर एक बार कहता है वो लाज लिहाज डरवस कि अरे नहीं जाने दीजिए, मत दीजिए, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, अरे नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। फिर वो कहता है कि नहीं लेंगे, लेकिन वो कहता तो है कि नहीं लेंगे, लेकिन उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि अगर बार बार कह रहे हैं नहीं लेंगे नहीं लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जेब वो जो पैसा देने के लिए निकाले हैं वो अपनी पर्स में रख के जेब के हवाले कर लें और हमारा 2,000 रुपए हमको ना मिले। तो ये जो 2,000 रुपए उस लड़के को मिल रहा है उसके मेहमान के द्वारा, उस 2,000 रुपए की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस 2,000 रुपए जो उस बच्चे को मिल रहा है या उस घर के परिवार के किसी सदस्य को मिल रहा है, उसके बदले में उसने किसी भी प्रकार की वस्तु या किसी भी प्रकार की सेवा के उत्पादन में कोई योगदान अपना नहीं दिया है। बिना वस्तु या सेवा में उत्पादन में योगदान दिए वो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में जो उत्पादन है सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र माध्यम होता है या स्रोत होता है आय सृजन करने का या राष्ट्रीय आय का। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अब क्लियर है।
अब इसमें दूसरा हम लें एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं, निवल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं। हमने दोनों शब्द आपके सामने लिखा है इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्र की से संबंधित या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अधिकांश पुस्तकों में शुद्ध के लिए निवल शब्द का इस्तेमाल किया गया होता है। निवल मतलब नेट। हमने आपसे क्या कहा कि हर विषय में अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, विशेष शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है। यहां भी शुद्ध के लिए प्रायः निवल का इस्तेमाल होता है, निवल शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जीडीपी आपने को आपने समझ लिया कि जीडीपी का मतलब हुआ कि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योगदान का मूल्य। और घरेलू सीमा क्या है इसको भी आपने समझ लिया कि घरेलू सीमा से आशय भौगोलिक क्षेत्रफल से नहीं है, उसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य घटक या तत्व या चीजें शामिल होती हैं जिसको मिलाकर के भौगोलिक देश के घरेलू सीमा बनती है। जीडीपी के संदर्भ में घरेलू सीमा जो शब्द आया है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो दूसरा आपका हो गया निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज समझ लीजिए, एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं, ये दोनों सदस्य एक ही परिवार के हैं। ये महोदय जीडीपी महोदय क्या है? बड़े भैया हैं। और एनडीपी महोदय छोटे भैया हैं। एक ही परिवार के दो भाई हैं। जीडीपी बड़ा है, एनडीपी छोटा है, आकार या लंबाई के दृष्टिकोण से देखें, मात्रा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि जी में जीडीपी में जो है, जीडीपी की बात करने के बाद हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो इस जीडीपी में से हम कुछ घटाते हैं, कुछ घटाते हैं तब हमको मिलता है एनडीपी। तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ घटाएंगे तब एनडीपी हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जीडीपी बड़े भैया हो गए, एनडीपी छोटे भैया हो गए। क्लियर है? अब इसमें से क्या घटाएंगे इसको हम आपको बाद में बताएंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम यहां पे इस संदर्भ में बताते हैं तो स्पष्ट नहीं होगा। इसको समझाने के क्रम में अगर हम आपसे कहें क्या है संकल्पनाओं के अंतर्गत, आपने देख लिया जीडीपी की एक सामान्य समझ या सामान्य परिभाषा भी हमने आपको बताया, बताने का प्रयास किया, समझने का भी प्रयास करिए आप। छोटी छोटी चीजें हैं, कान में नीड लगाया हुआ है, स्क्रीन देख रहे हैं, तब तक जो है कहीं कुछ ऐसी गतिविधि हुई, हमारा ध्यान उधर चला गया, उस दौरान हमने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो इस परिभाषा को समझने के लिए जरूरी है, तो बाद में फिर सुनिए, समझ के तब आगे बढ़िए। तो सकल घरेलू उत्पाद की एक सामान्य सी परिभाषा हमने आपको बता दी। हमने आपको बताया कि इस सेक्शन, इस टॉपिक में, राष्ट्रीय आय के टॉपिक में, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इन्हीं सभी चीजों को पढ़ना है। इसकी जो विस्तार है, जो विस्तार सीमा है, वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनी हुई है। उसमें पहला क्या है? संकल्पना या कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में चार ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को व्यक्त करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, दूसरा हो गया एनडीपी, दूसरी चीज है, और चारों है इसमें। दूसरा चीज हमने आपको क्या बताया कि मापने का आधार, मापने का आधार। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, चाहे जीडीपी हो, चाहे एनडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, सबको मापने का आधार, कुछ विशिष्ट आधार पर इन सब की गणना की जाती है। और ये जो है इस राष्ट्रीय आय में इसका बहुत महत्व है। इसको समझे बिना राष्ट्रीय आय को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के क्रम में हम देखते हैं कि मापने के आधार क्या क्या होते हैं। मापने के आधार की हम बात करें तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि जीडीपी के अंतर्गत जो संकल्पनाएं हैं वो चार प्रकार की होती हैं, उसी तरह से उन चारों संकल्पनाओं को, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सबको मापने का चार आधार होता है। ध्यान से सुनिएगा, चार आधार होता है। पहला, ध्यान से समझिएगा, यकीन जानिए, अगर दो चार पांच मिनट जितना आपको हमको बताने में समय लगता है उतना आप कंसंट्रेट रह गए तो फिर आपको कभी समस्या नहीं आएगी कि यह है क्या चीज।
साधन मानक के आधार पर। ठीक, पहला क्या हो गया, मापने का आधार साधन लागत के आधार पर। हमने आपको बताया कि सभी संकल्पनाओं को मापने का आधार जो दूसरा मुख्य बिंदु है जिसको राष्ट्रीय के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। अब उस मापने के आधार की जब हम का विश्लेषण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो मापने का आधार होता है किसी भी संकल्पना जीडीपी जीएनपी एनएनपी या एनडीपी किसी को भी मापने का जो आधार होता है वो भी चार प्रकार की होती है। पहले वो कहते हैं साधन लागत के आधार पर, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य का मापन या आकलन किस आधार पर हुआ है, तो यहां पे आप देख रहे हैं साधन लागत के आधार पर। अब इस साधन लागत क्या होता है, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि जब हम साधन लागत के आधार पर माप रहे हैं तो उसमें साधन लागत क्या हुआ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे साधन मतलब फैक्टर्स, किस प्रकार के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। राष्ट्रीय आय का सृजन या राष्ट्रीय आय उत्पन्न ही तब होता है जब उत्पादन होता है। उत्पादन किसका होता है, या तो वस्तु का होता है या सेवा का होता है, ये दो ही चीजों का उत्पादन होता है। इन्हीं के उत्पादन से राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। और उत्पादन होता कैसे है उसकी भी एक अलग अपनी प्रक्रिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन यहां पे अगर हम कहें कि उत्पादन जो होता है उत्पादन के साधनों के द्वारा उन्हीं के आधार पर होता है, उत्पादन के साधनों द्वारा ही उत्पादन किया जाता है, और उत्पादन के साधन जब उत्पादन में योगदान देते हैं तो फ्री में योगदान नहीं देते, वो उत्पादन में जब योगदान देते हैं तो उस उत्पादन में योगदान देने के बदले में उनको कुछ आय या प्रतिफल प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम अर्थशास्त्र पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो अर्थशास्त्र की पढ़ने की शुरुआत में ही कुछ सामान्य या आधारभूत मान्यता हम रख लेते हैं। उसमें पहली आधारभूत मान्यता क्या है, विवेकशीलता, रेशनैलिटी। हम जब अर्थशास्त्र का विश्लेषण या अध्ययन करते हैं तो मुख्य तौर पे उत्पादक और उपभोक्ता या कंज्यूमर क्लियर है। अब उत्पादक जो होता है और उपभोक्ता जो होता है, दोनों जो व्यवहार करते हैं, मान ये लिया जाता है कि वो विवेकशील व्यवहार करेंगे, रेशनल बिहेवियर दिखाएंगे। पागल का, दिवालिया का, सनकी का, इनका, इन सब का हम अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र में उस चीज का अध्ययन करते हैं या उस फैक्टर का अध्ययन करते हैं जो विवेकशील हो। जैसे विवेकशीलता का यहां आशय क्या है या अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। हमने आपको कह दिया कि अर्थशास्त्र में जो प्राथमिक मान्यताओं में से एक मान्यता है कि जब भी हम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो भी घटक होगा अर्थशास्त्र का वो विवेकशील व्यवहार करेगा। इसका आशय इस एक लाइन मात्र आपके सामने, लेकिन इसका आशय क्या होता है वो समझने की अगर हम कोशिश करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विवेकशीलता का मतलब होता है कि दिए हुए समस्त विकल्पों में से या उपलब्ध समस्त विकल्पों में से जो सबसे बेहतर विकल्प होगा, सबसे ज्यादा लाभदायी विकल्प होगा, जिससे आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ अर्थात प्राप्त होगा, वही विकल्प जब आप चयन करेंगे तो कहा जा सकता है कि आपका व्यवहार दी हुई परिस्थिति में विवेकशील व्यवहार है। अब इसको समझने के लिए एक सामान्य सा उदाहरण लीजिए, टीजीटी पीजीटी कोचिंग में एडमिशन लेना है, घर से आपने पैसा मंगाया, पिताजी या माताजी या आपके अभिभावक जो भी हैं, संबंधित फीस आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप जो है जब पैसा आ गया तो आप क्या करते हैं, निकलते हैं। एम नामक दो छात्र जो है वो टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं कोचिंग में। एक के पास पैसा आया, वो पैसा लेके निकल लिया, जो पहली कोचिंग पढ़ी, वेरी फर्स्ट कोचिंग उसके रास्ते में, उसी में उसने जाके एडमिशन ले लिया। तो क्या आप कहेंगे कि उसका यह व्यवहार रेशनल या विवेकशील है, नहीं है। दूसरा क्या करता है उसके विपरीत, दूसरा जो होता है वो अपने सीनियर्स से मिलता है,
उनसे राय लेता है, उनकी जानकारी उनसे जानकारी लेता है, अपने दोस्तों से मिलके जो कि कोचिंग में एडमिशन ले चुके हैं और विभिन्न विभिन्न कोचिंग्स वगैरह में हैं उनसे राय लेता है, मशविरा लेता है और अपनी एक राय बनाने की कोशिश करता है, फिर खुद जाता है, तमाम वीडियोस देखता है, अगर ऑनलाइन एडमिशन लेना है ऑफलाइन लेता है, तमाम क्लासेस करता है, 3 जगह 4 जगह 5 जगह उपलब्ध जितने संभव विकल्प होते हैं उसमें से अधिकतर को ट्राई करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये बी नामक व्यक्ति, जिसमें उसको लगता है कि हमको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा दिए गए फीस के तुलना में अनुपात में, उसी में यह एडमिशन लेता है। तो ये जो बी का बिहेवियर है या व्यवहार है उसी को हम विवेकशील व्यवहार कहते हैं, ए का व्यवहार विवेकशील व्यवहार नहीं है। तो जब भी हम अर्थशास्त्र में चाहे उत्पादक का विश्लेषण करें या उपभोक्ता के बारे में अध्ययन या विश्लेषण करें, हम पहले ही एक मान्यता ये मान लेते हैं कि चाहे उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो वो विवेकशील व्यवहार करेगा। तो अगर हम आपके लिए यहां पे क्लास ले रहे हैं और क्लास लेने के क्रम में हमसे ये कहा जाए कि सर क्लास लीजिए, बहुत अच्छा काम है, बहुत लोगों का भला होता है, बहुत आपको लोगों का जो है वो आशीर्वाद मिलेगा, तो वैसी स्थिति में हम ऐसा तो नहीं कि आगे खड़े हो जाएंगे, हाँ सर हम क्लास लेते हैं या हाँ सर हम पढ़ाते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेवा के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इसके बदले में यह हमारा व्यवहार तभी विवेकशील कहा जाएगा जब हमको यहां से ज्यादा प्राप्त हो। क्लियर है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने फीस जमा किया, जो फीस जमा किया है उस फीस के रूप में जो आपने पैसा पे किया है, रुपए पे किया है, उस रुपए का भी आपकी नजर में एक मूल्य है। अगर यहाँ पे फीस नहीं जमा करते तो उससे अन्य अनेक बहुत से काम थे जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, उस पैसे को आपने फीस के रूप में यहाँ पे जमा कर दिया, तो आप हर संभव कोशिश करते हैं कि उससे जो रिटर्न मिले वो मैक्सिमम मिले। तो इसी तरह के या इस प्रकार का जब हम बिहेवियर करते हैं कि दिए हुए समस्त संभव विकल्पों में से जो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला विकल्प होता है उसका अगर हम चयन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा व्यवहार या उपभोक्ता का व्यवहार या उत्पादक का व्यवहार वो विवेकशील व्यवहार है या रेशनल बिहेवियर है। तो अगर हमसे कहा जाए कि आप पढ़ाई, आपको पैसा नहीं मिलेगा कुछ या आपको कुछ इसके बदले में प्राप्त नहीं होगा, तो अव्वल तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, और अगर हम पढ़ाते भी हैं कि चलो ये बहुत अच्छा काम है, शिक्षा देना जो है बड़ा बेहतर वो माना जाता है, इस समाज में उसका बेहतर योगदान माना जाता है, तो अगर हम इसके कारण हम या इस दृष्टिकोण से संचालित होकर यहाँ पे आके पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं, कहीं से हमको इनकम नहीं प्राप्त होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अपनी भी आवश्यकता है भाई। जब पेट भरा नहीं रहेगा, पेट में भूख जो है वो मचलती रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि हम आके हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, इस डेस्क पे खड़े नहीं हो पाएंगे, घंटा डेढ़ घंटा की बात छोड़िए, आधा घंटा 30 मिनट भी खड़ा होना, आधा घंटा 40 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिटर्न नहीं मिलेगा या हमको आय नहीं मिलेगी हमारे इस कृत्य के द्वारा, हमारे इस मेहनत के द्वारा उत्पादन में योगदान देने के बदले में, तो जाहिर सी बात है अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और चाहते हुए भी हम आपकी फ्री क्लास नहीं ले सकते। मतलब कोई भी श्रमिक या श्रम देने वाला, मेहनत करने वाला, जब वो श्रम देता है तो उसको श्रम के बदले में उसको निश्चित तौर पे पारिश्रमिक के रूप में रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वेतन या कहते हैं मानदेय या कहते हैं पारिश्रमिक या एक चीज और कहते हैं मजदूरी, कोई भी नाम आप दे दीजिए। श्रम जो मेहनत कर रहा है व्यक्ति, अपना श्रम दे रहा है, 1 घंटा खड़ा होकर यहां पे पढ़ा रहा है, 1.5 घंटा खड़ा होकर पढ़ा रहा है, बोल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बदले में जो उसको रिटर्न धन के रूप में प्राप्त होगा, पैसे के रूप में प्राप्त होगा, वो तो उसको या तो वेतन कहते हैं, मानदेय कहेंगे, पारिश्रमिक कहेंगे, मजदूरी कहेंगे, सबका एक ही अर्थ है। ये चीज आप एकदम स्पष्ट रखिए दिमाग में। तो जब हम साधन लागत की बात कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना उसके साधन लागत पर किया जाना, उसका आशय ये होता है कि उस वस्तु को बनाने में जो भी साधन, साधन मतलब उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन अर्थात जिसके द्वारा उत्पादन होता है, तो जितने भी उत्पादन के साधन लगे हुए हैं उसके ऊपर जो लागत वहन की गई है
उन सभी लागतों को जोड़ लेते हैं जो मूल्य आता है, तो हम कहेंगे अमुक वस्तु का मूल्य साधन लागत के आधार पर, ठीक है, प्राइस ऑफ एनी गुड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसके संबंध में जब हम विश्लेषण और आय करते हैं तो देखते हैं कि देखिए जो साधन होते हैं उत्पादन के, जिनके माध्यम से उत्पादन संभव होता है, वो चार प्रकार के होते हैं। चार मतलब जो आधारभूत साधन होते हैं, फंडामेंटल फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कितने होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। उत्पादन की जो साधन होते हैं वो चार मूलभूत या प्राथमिक साधन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया श्रम, दूसरी हो गई पूंजी, तीसरी हो गई भूमि, और उत्पादन का जो चौथा और अंतिम साधन है वो है उद्यमी या साहसी। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना हो, उस वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए इन चार साधनों की, उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर इन चारों के उत्पादन के समय में ये चारों उत्पादन के साधन अपना योगदान नहीं देते हैं उत्पादन में, कोई भी एक अगर उत्पादन का साधन उत्पादन प्रक्रिया में उपलब्ध नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का उत्पादन ही संभव नहीं है। एकदम अपने दिमाग में इस चीज को समझ लीजिए। इसीलिए हमने कहा उत्पादन के चार प्राथमिक साधन, आधारभूत साधन। आधारभूत कहने का मतलब ये है, प्राथमिक कहने का मतलब ये है कि इनकी अनुपलब्धता में, अनुपस्थिति में उत्पादन संभव नहीं, चाहे सुई बनाना हो, चाहे फाइटर जेट बनाना हो, उनमें ये चार उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा स्थिति में उत्पादन संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दीज आर फोर बेसिक फैक्टर या फंडामेंटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन। इसमें क्या है, अब जब ये इसको और हम आपको समझाने की कोशिश प्रयास करें तो उसमें आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको कोचिंग संस्थान खोलना है, और उसमें कोचिंग संस्थान खोलने के संबंध में जब हम विचार करेंगे तो पहले दिमाग में हमारी जो बात आएगी कि इसमें कितना पैसा लगेगा, पूंजी लगेगा, वो आपका हो गया पहला उत्पादन का साधन। किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए पूंजी पहली आवश्यक प्राथमिकता होती है। अब देखिए कोचिंग में पूंजी लगाया, पैसा लगाया, कोचिंग एस्टेब्लिश हो गई। अब पूंजी का मतलब जो होता है वो भी अलग अलग, पूंजी का मतलब अर्थशास्त्र में ये नहीं है कि हमारी जेब में जितना पैसा रखा हुआ, हमारे घर पे जितना पैसा रखा हुआ, हमारे बैंक में अकाउंट में जितना पैसा रखा हुआ है, या हमारे पास इतनी वैल्यूएबल गुड्स हैं, वो हमारी पूंजी हुई। नहीं, पूंजी का मतलब होता है कि हर वो चीज जो उत्पादन में योगदान देकर हमारी आय को बढ़ाने की क्षमता रखती है, उस हर चीज को हम पूंजी कहते हैं। अगर हम पूंजी को और एलेबरेट करने की कोशिश करें या और इसका स्पष्ट करने की कोशिश करें तो हम आपको यहां एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि तीन लोग हैं, ए बी और सी, तीनों ने मेहनत किया, पैसा कमाया, पैसे को बचाया, वर्तमान उपभोग की आवश्यकताओं में कटौती करके बचत किया, बचत करते करते उनके पास एक कोष संग्रह हो गया, एक फंड इकट्ठा हो गया। वो फंड मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए है, अब उस 10 लाख रुपए को लेके तीनों लोग संयोग से मान लीजिए कि एक कार की एजेंसी में चले जाते हैं और कहते हैं कार खरीदते हैं, और तीनों एक ही ब्रांड की सेम कार खरीदते हैं, और ए भी, बी भी और सी भी तीनों 10 लाख की एक ही प्रकार की कार खरीदते हैं और लेके अपने अपने घर चले गए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जब हम अर्थशास्त्र में कैपिटल या पूंजी की बात करते हैं तो उसका वस्तुतः अर्थ क्या होता है। अब इस 10 लाख रुपए की जो कार खरीदी गई ए द्वारा, वो उस 10 लाख रुपए की कार का इस्तेमाल जो है अपने उपभोग या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। ऑफिस जाना होता है तो गर्मी का समय है, बहुत गर्मी लगती है, कार में बैठा, एसी ऑन किया, ठंडे ठंडे में ऑफिस पहुंच गया, आराम तो है ही। तो वो उस कार का उपयोग जब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है तो वो कार
उस व्यक्ति के लिए उपभोक्ता वस्तु हो गई, कंज्यूमर गुड हो गई। ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी अपनी आवश्यकता को व्यक्ति होने के रूप में, हमारी विविध प्रकार की आवश्यकताएं हैं, मनोरंजन की आवश्यकताएं हैं, कपड़े की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता, मतलब तमाम तरह की आवश्यकता है, विविध आवश्यकताएं हैं। जब व्यक्ति होने के रूप में हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं, किसी वस्तु या सेवा को क्रय करते हैं, तो उस वस्तु या सेवा को हम उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो ए नामक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस कार से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है, इसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और श्रीमती जी भी जाती हैं ठाट से, तो जाहिर सी बात है ये ए जिस उद्देश्य में इस कार का इस्तेमाल कर रहा है उस उद्देश्य के अनुरूप अगर हम इस कार का वर्गीकरण या करें या इस वस्तु का वर्गीकरण करें तो वो हो गया उपभोक्ता वस्तु। जब भी उपभोक्ता वस्तु होती है तो वो हमको, हमारे लिए आय नहीं सृजित करती है, उसके कारण हमें खर्च करना पड़ता है। अब कार को अपने ऑफिस से, कार से ऑफिस आ जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेल का खर्चा होगा, आय प्राप्त नहीं हो रही है, खर्च हो रहा है। उपभोक्ता वस्तुएं हमसे खर्च कराती हैं, कैपिटल गुड्स हमारे पास आय हमको देती रहती हैं। अंतर होता है, विवेकशीलता यही है कि उपभोग में कटौती करिए, कैपिटल गुड्स में इनको बढ़ाइए। कैपिटल गुड्स आपको भविष्य में आय प्रदान करेंगी, उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर जितना ही व्यय करेंगे उसके ऊपर उतना ही आपको खर्च करना होता है। अब इस कार के संचालन हेतु जो तेल की आवश्यकता है वो खर्च करेगा 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब मेंटेनेंस के ऊपर भी खर्च करेगा, अगर और एक स्टेज आगे जाता है तो ड्राइवर सोफर वगैरह रखता है, अगर मान लीजिए सोफर रखता है तो उस पे उसके तनख्वाह पे पेमेंट पे खर्च करेगा। मतलब इस उपयोग में जब ए नामक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिकोण से इस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, इस कार का प्रयोग कर रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको अपनी जेब से और व्यय करना पड़ता है, उसके पास आय इसके माध्यम से आती नहीं है, उल्टा होता है, व्यय करना पड़ता है, ये कंज्यूमर गुड हो गई। दूसरा क्या हो गया, एक होता है मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड, किसी अन्य वस्तु या सेवा के उत्पादन में सहयोग देना। जैसे मान लीजिए ये संस्था है, एक बजे से हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी होती है और हम पहुंच रहे हैं 1:10 पे, 1:20 पे, कभी कभी तो इंतहा कर देते हैं, 1:30 पहुंचा, सर फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन इससे क्या होता है, इस संस्था का रेपुटेशन डाउन हो रहा है, रेपुटेशन डाउन हो रहा है। बार बार ये चीज अगर संज्ञान में आ रही है और तमाम जो पढ़ाने वाले या समझाने वाले यार लोग यहाँ पे संबंधित हैं इसी तरह से लेट रहती पाते हैं, इस चीज से को समाप्त करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए संस्था एक कार खरीदती है और कहती है सर 1 बजे अगर आपकी क्लास है तो 12:30 बजे गाड़ी आपके दरवाजे के नीचे रहेगी। अब वो गाड़ी वहां पर चली जाती है, खड़ी हो जाती है 12:30 बजे, हार्न पे हार्न बजाया जा रहा है, ड्राइवर हम आके निकलते हैं भाई और समय से यहाँ पे उपस्थित हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शिक्षा या शैक्षणिक कार्य हो रहा है। इस शैक्षणिक, यहाँ का अंतिम प्रोडक्ट क्या है, जो अंतिम उत्पाद क्या है, वो क्या है, शिक्षा है। उस शिक्षा में सहयोग दे रहा है कौन, यह संस्था द्वारा जो प्रयुक्त कार है वो इस शैक्षणिक गतिविधि में सहयोग दे रहा है, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया या मध्यवर्ती वस्तु, किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में सहयोग देना, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। तीसरा है सी नामक व्यक्ति, विवेकशील है। हमने आपको कहा कि विवेकशीलता जो होती है आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत में ही जो मान्यता हम लेते हैं उसमें प्राथमिक मान्यता है कि व्यक्ति चाहे उपभोक्ता के रूप में व्यवहार करे या फिर उत्पादक के रूप में व्यवहार करे, उसका व्यवहार विवेकशील होना चाहिए। तो विवेकशीलता प्राथमिक मान्यता या आधारभूत मान्यता होती है अर्थशास्त्र में किसी भी विश्लेषण के संदर्भ में। तो सी नामक व्यक्ति क्या करता है, देखता है कि बड़ा मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, अतः पैसा मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जब पैसा लेके निकलते हैं तो सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी खरीद लें, इसका भी कंज्यूम, इसको भी कंज्यूम कर लें, इसको भी वो कर लें, लेकिन अपने मन को मनाते हैं, पैसे को बचाते हैं, चाहे तो पूरा पैसा खर्च कर दें, 1,00,000 रुपए हमारी सैलरी हो तो भी हम चाहे तो पूरा पैसा खर्च कर दें, 10,00,000 रुपए सैलरी हो अगर हम खर्च करना चाहें तो 10,00,000 रुपए बाजार में, तो मतलब आपके पास चाहे जितना पैसा हो आप बाजार में निकलेंगे तो अगर चाहेंगे तो आप पूरा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन
विवेकशील व्यवहार क्या है, पैसे को बचा के रखना। सी ये जो व्यक्ति है उसी 10 लाख रुपए को लेके उसी कार एजेंसी पे गया है, उसी मॉडल की उसी सेगमेंट की कार खरीद रहा है, लेकिन कार खरीद के घर ले आया, लेकिन ये विवेकशील व्यवहार करता है, कहता है कि इतना मेहनत किया तो पैसा कमाया, आय प्राप्त किया, उस पैसे में से अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके बचत किया, तो उस पैसे से उसको बहुत मोह होता है। उसके कारण क्या करता है, वो जब कार खरीद के लाता है तो कहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इससे इसका जिससे इसका सदुपयोग हो। वैसी स्थिति में क्या करता है, यह किसी ट्रेवल एजेंसी को यह कार दे देता है किराए पे चलाने के लिए, 2-4-5 जगह पे जाता है, क्योंकि वो रेशनल है, वो 2-4-5 ट्रेवल एजेंसीज में जाता है जहां पे उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है महीने का इस कार की सेवाओं के बदले में, वो मान लीजिए कि 25,000 रुपए है, इससे अधिक कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कहता है कि ठीक है, ट्रेवल एजेंसी वाला कहता है कि साहब गाड़ी छोड़ जाइए और महीने भर इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रत्येक माह के लिए हर महीने आपको इसके बदले में हम 25,000 रुपए दिया करेंगे। आप क्या देख रहे हैं आप कि इस गतिविधि द्वारा, कार का इस रूप में जब ये प्रयोग किया जाता है सी द्वारा, तो ये कार इसके लिए कैपिटल गुड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनकम जनरेट कर रही है, उसकी जो भी आय थी, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए उसको पहले प्राप्त होता था जो भी काम करता था, उसमें 25,000 रुपए जुड़ा, अब 1.25 लाख रुपए उसके हो गए आय, आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो इस कैपिटल गुड के कारण क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है। तो हर वो चीज जिसके कारण भविष्य में आय बढ़ने की संभावना होती है या इसमें आय बढ़ाने की क्षमता होती है, वो अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से पूंजी वस्तु होती है या कैपिटल गुड होती है। अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि वस्तुतः कैपिटल जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब उत्पादन के 4 प्राथमिक साधन हो गए, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी और साहसी। श्रम का मतलब जो मेहनत करता है, मैं यहां पे आया हूं, मेहनत कर रहा हूं, मैं अपना श्रम दे रहा हूं, ये इसके बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं वेतन या पारिश्रमिक या मानदेय। मजदूरी कहना जरा अच्छा नहीं लगता है यार, मजदूरी कहना थोड़ा सा चीप नहीं लगता है, इसलिए खैर वो बात की बात थी। जो श्रम उत्पादन में, श्रम नामक उत्पादन का साधन, उत्पादन में जो योगदान देता है उसके बदले में जो उसको रिटर्न के रूप में प्राप्त होता है उसको कहते हैं वेतन या मानदेय या मजदूरी या पारिश्रमिक। पूंजी को उत्पादन में योगदान देने के बदले में, जैसे ही हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला, तो इंस्टीट्यूट डालने के क्रम में जो पूंजी हमने इकट्ठा की उसके बदले में हमको ब्याज देना होता है, तो पूंजी द्वारा उत्पादन में जो योगदान दिया जाता है। देखिए अब यहां के संदर्भ में पूंजी क्या हो गई, ये जो कैमरा है, ये जो आपका स्मार्ट बोर्ड है, ये जो यहाँ का सेटअप है, सब क्या हो गया, यहाँ के लिए कैपिटल हो गई। ये नहीं रहेगी तो ऑनलाइन क्लास संभव ही नहीं है, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, वो संभव ही नहीं है। तो इसके लिए उत्पादन ही संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सारी चीजें जो यहाँ पे चीजें हैं वो इस शिक्षा नामक गतिविधि के उत्पादन के दृष्टिकोण से कैपिटल हो गई, इनके बिना संभव नहीं है। तीसरा क्या हो गया, अच्छा पूंजी को उत्पादन में योगदान देने के बदले में जो प्राप्त होता है प्रतिफल के रूप में, रिटर्न के रूप में, उसको कहते हैं ब्याज, ठीक है। भूमि, भूमि का अर्थ भी समझिए कि भूमि जो उत्पादन का एक प्राथमिक साधन है उसका आशय वस्तुतः क्या होता है। भूमि का आशय सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह ही नहीं होती है, भूमि का मतलब होता है जमीन के सतह पर उपलब्ध संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जमीन की सतह के नीचे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और जमीन की सतह के ऊपर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, सभी को सम्मिलित रूप से हम भूमि के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब में जो है किसी भी वस्तु, हमने आपसे कहा कि चाहे सुई हो, चाहे कितना भी तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद हो, फाइटर जेट हो, सबके उत्पादन में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा उनका उत्पादन संभव ही नहीं है। श्रम लगता है, कैपिटल लगता है, कैपिटल मतलब मशीन हो गया, पूंजी उपकरण हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब कैपिटल के अंतर्गत आता है, तो ये कैपिटल हो गया। भूमि का मतलब होता है जो भी कच्चे संसाधन या कच्चा माल भी हमको प्राप्त होता है वो कहां से होता है, भूमि से प्राप्त होता है। भूमि के अंतर्गत हमने आपको बताया कि भूमि का सीमित या संकुचित अर्थ नहीं लेना है, भूमि का मतलब यहां पे है भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की ऊपरी सतह की उर्वरा शक्ति, जिसके माध्यम से जंगल, वन, विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद
हम प्राप्त करते हैं, उपज या अनाज प्राप्त करते हैं, फल सब्जी मसाले फूल जितना चीजें प्राप्त होती हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति से प्राप्त होती हैं, वो प्राकृतिक देन है। दूसरा क्या है, भूमि के नीचे जितने खनिज संसाधन हैं वो भूमि के नीचे जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं, भूमि के ऊपर और जितने रिसोर्सेज हैं, जंगल है आपका, पानी है, रोशनी है, वायु है, जितने हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, भूमि के ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं, ब्रह्म की सतह के ऊपर से प्राप्त होते हैं। तो ये जो भूमि है वो क्या देख रहे हैं आप, भूमि जो है किसी भी वस्तु या सेवा के लिए जो आवश्यक कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है उसका सोर्स ये भूमि है। सिर्फ कृषि उत्पादन का सोर्स ही नहीं है, हमने आपको बताया कि नीचे सतह पर भूमि के नीचे भूमि के सतह पर भूमि के ऊपर जितने संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन, उनको हम भूमि के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। और भूमि जो उत्पादन में योगदान देता है उसके बदले में जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं लगान। रॉयल्टी, लगान, प्राय लगान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसपे कहीं ऐसा हुआ कि प्राकृतिक या खनिज तेल प्राप्त हो गया, तो खनिज तेल प्राप्त होता है तो क्या होता है कि वो हमारी जमीन में मिला है, हालांकि हम भी भारत के अंग हैं, उत्तर प्रदेश जो है या भारत जो है अविनाशी राज्यों का संघ है, तो भारत के अंग होने के बावजूद, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे जो है एक हमारी राज्य स्तर की सरकार है, उसका अधिकार क्षेत्र संविधान के आधार पर वर्णित किया गया है, जिसके आधार पर हम शासन या यहाँ की सरकार शासन संचालित करती है। उसमें ये व्यक्त है कि जो भूमि है उस संविधान में ये कहा गया कि जो भूमि है वो उससे प्राप्त आय राज्य सरकार के आय का स्रोत है, उसमें केंद्र का हिस्सा नहीं है। जैसे लगान कृषि के ऊपर जो लगान लेती है, भू राजस्व जो यूपी सरकार लेती है उसमें वो राजस्व भू राजस्व जो आरोपित करती है वो राज्य का अधिकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। खैर अगर यहाँ पे खनिज तेल प्राप्त होता है तो केंद्र सरकार कहती है कि उसका निष्कर्षण वही करेगी, वो इतने महत्व का है कि वो राष्ट्र के स्तर का महत्व की वस्तु है तो उसका निष्कर्षण केंद्र सरकार करेगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी भूमि मिला है तो रॉयल्टी देती है। ठीक है, तो भूमि में भूमि को उत्पादन में योगदान देने के बदले में जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, लगान कह रहे हैं। और चौथा उत्पादन का साधन हो गया उद्यमी या साहसी। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि हमने आपसे बताया कि व्यक्ति जो होता है जब वो आय प्राप्त करता है तो बहुत मेहनत करके आय प्राप्त करता है, और जब मेहनत करने के बाद जेब में पैसा आता है तो मन तो यही करता है कि इस पैसे को बड़े अच्छे अच्छे अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है वो ये जानता है कि आज तक ही जीवन सीमित नहीं है, इसके बाद भी आगे का जीवन है। स्वाभाविक तौर पे आज हम आय प्राप्त कर रहे हैं उसमें से बचत नहीं कर रहे हैं, जब हम थक जाएंगे काम करने के योग्य नहीं होंगे, जिस समय हमारी आवश्यकता है उसी अनुरूप रहेंगे, इसकी तुलना में वर्तमान की तुलना में और बढ़ी हुई रहेंगी, उस समय हम क्या करेंगे, उस विवेकशीलता या उस सोच दूरदृष्टि के कारण वो क्या करता है, आज वर्तमान में प्राप्त की गई आय का एक हिस्सा वो बचाता रहता है, सेविंग करता है, ताकि जीवन के उत्तरार्ध में या फिर कोई अनसीन ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, बीमारी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक्सपेक्टेड चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए भविष्य में खर्चा बढ़ता जाएगा, बिटिया की शादी करनी है भविष्य में खर्चा बढ़ता जाएगा, तमाम ऐसी चीजें हैं एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उस भविष्य के लिए वो अपनी आय का एक हिस्सा बचा के रखता है। अब मेहनत से पैसा कमाया, अपनी इच्छाओं को दबा करके सीमित करके समझौता करके पैसा बचाया, और उस पैसे से उसको इतना मोह होता है कि वो खर्च नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि जब हम उत्पादन की गतिविधि करते हैं तो सोच के ये चलते हैं कि इस कार्य को हम शुरू कर रहे हैं, उत्पादन की यह गतिविधि हम शुरू कर रहे हैं, इससे भविष्य में हमको इतना लाभ होगा, लेकिन जो हमारी सोच होती है जिस एक्सपेक्टेशन पे हम काम करते हैं भविष्य उसी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो या ना हो ये निश्चित नहीं होता, भविष्य क्या होता है, बहुत अनिश्चित होता है, जोखिम भरा होता है, उसी जोखिम को उठाने का साहस हर आदमी जिसके पास आय का कुछ हिस्सा या उसके पास कुछ फंड इकट्ठा है, कुछ पैसा इकट्ठा है, वो भविष्य का जोखिम वो वहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बहुत मोह होता है, उस पैसे की उसके जीवन में बहुत उपयोगिता है, उस उपयोगिता के दृष्टिगत उस पैसे को कमाने के लिए इतना किया गया उसका उद्यम है, उद्यम के बाद अपने आवश्यकताओं को सीमित करके उस पैसे को बचाए, इसलिए बहुत उसके प्रति मोह होता है, तो वो यूं ही पैसा खर्च नहीं कर देता। और उत्पादन की गतिविधि में हमने आपसे क्या कहा कि भविष्य में पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उत्पादन कब प्राप्त होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिचुएशंस होंगी और हमको इतना रिटर्न या इतना फायदा मिलने की संभावना है, भविष्य वैसा हो कि ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है,
इसलिए भविष्य की अनिश्चितता का जोखिम होता है। जैसा हमने सोचा है वैसा ना हो। हमने कोचिंग संस्थान एक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान हमने एस्टेब्लिश किया, 40-50-60-70 लाख जितना हमारे पास पैसा है, 1-1.5 करोड़ रुपए लगा दिया। कोरोना पैंडेमिक जैसा पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन मार दी सरकार, सारा जो है किया धरा समाप्त। भविष्य कोचिंग खोलते से तो हम ये सोचे कि हम जो है अच्छा पैसा इससे प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे और इस मेहनत के आधार पर हम इससे अच्छा पैसा प्राप्त करेंगे। भविष्य में हम ये भविष्य का परसेप्शन हम इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, लेकिन भविष्य हमारे परसेप्शन के हिसाब से वो संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भविष्य बड़ा जोखिम, जो भविष्य होता है वो बहुत जोखिमपूर्ण होता है। उस पैसे को जो हमारे पास शेष है, उस पैसे को हर आदमी उत्पादन की गतिविधि में नहीं लगाता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत करते हैं कि चलो जो ये हमारा पैसा है उससे हम कोई उत्पादन का कार्य शुरू करते हैं। ऐसा हिम्मत या ऐसा साहस करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, या टेंडेंसी बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए अपने पैसे से उत्पादन की गतिविधि शुरू करने वाले उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। और साहसी जाहिर सी बात है उद्यमी तो है ही। अब ये महोदय जो उत्पादन की गतिविधि कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, उत्पादन के समस्त साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक सिस्टम सेट कर रहे हैं और भविष्य का जोखिम भी वहन कर रहे हैं, ये सब काम उत्पादन में ये साहसी या उद्यमी करता है। इसके बदले में जो इसको रिटर्न मिलता है या प्रतिफल मिलता है उसको हम कहते हैं लाभ। तो साधन लागत पर का आधार क्या है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा तो उत्पादन के मूल्य की गणना जीडीपी में होगी। और अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत कोई अंतिम वस्तु उत्पादित हो रही है तो उसके मूल्य की गणना का एक आधार साधन लागत पर या साधन लागत के आधार पर किया गया मूल्य का आकलन, एक आधार इसके मूल्य का आकलन का यह भी है। पेन की ही बात लें, 10 रुपए में बाजार में जाते हैं, ये पेन हमें 10 रुपए में मिल रही है, तो इस पेन को हम साधन लागत के आधार पर वस्तु का मूल्य 10 रुपए तब कहेंगे जब इस वस्तु को बनाने में, हमने आपसे कहा किसी भी छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, बनाने में उत्पादन के ये चार साधनों की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, अन्यथा स्थिति में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पे इस पेन को बनाने में भी चार ये साधन लगे होंगे उत्पादन में, अन्यथा इस पेन का उत्पादन ही संभव नहीं था। अब जब ये चारों उत्पादन के साधन उत्पादन में योगदान दे रहे हैं विविध प्रकार से, तो उसके बदले में उनको रिटर्न या प्रतिफल भी मिलना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि ये चारों उत्पादन के साधन इसमें लगे हुए हैं, ये चारों उत्पादन के साधन लगे हुए हैं, लेबर के रूप में श्रम, इस पेन को उत्पादित करने में जो श्रम लगा हुआ है उसके बदले में उसको जो पारिश्रमिक या मानदेय या मजदूरी मिलती है, मान लीजिए कि वो 3 रुपए हो, ठीक है। श्रमिक को इस वस्तु को उत्पादन करने में जो वो अपना योगदान दे रहा है, मेहनत कर रहा है, श्रम दे रहा है, उसके बदले में मान लीजिए कि 3 रुपए उसको प्राप्त होता है, वो क्या हो गई, वेतन मानदेय या मजदूरी या पारिश्रमिक हो गई। इस पेन को उत्पादन उत्पादित करने में जो पूंजी लगी है, उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो मान लीजिए कि 2 रुपए है, या इस पेन के उत्पादन में जो पूंजी लगी है उस पूंजी के द्वारा इस पेन के उत्पादन में योगदान के बदले में जो उसको पूंजी को या पूंजी को प्राप्त हो रहा है वो ब्याज हो गया, वो जो है मान लीजिए 2 रुपए है। इसी तरह से ये प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, तमाम रॉ मटेरियल ऐसी होंगी जो भूमि से हमको प्राप्त होती हैं, जिस जो कि पारिश्रमिक प्रतिफल के रूप में उसको प्राप्त होता है, उसको लगान कहते हैं। अगर भूमि का योगदान इसमें सपोज करिए लगान या किराया दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, तो भूमि द्वारा जो इस वस्तु के उत्पादन में योगदान दिया गया उसके बदले में जो उसको लगान के रूप में प्राप्त हो रहा है मान लीजिए कि वो 2 रुपए हो, और उद्यमी या साहसी भविष्य का जोखिम ले रहा है, सभी संसाधनों को इकट्ठा कर रहा है, उन सभी में सामंजस्य बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो है वो अनिश्चितता का भी वहन कर रहा है, इन सभी के बदले में पूंजी तो लगाया ही या अपना जो है समय लगा रहा है, इस सब के बदले में उत्पादन में इस
सभी तरह का योगदान देने के बदले में साहसी क्या कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है रिटर्न के रूप में उसको कहते हैं लाभ। तो इस पेन को बनाने में, पेन के बनाने की शुरुआत इस व्यक्ति ने, साहसी ने की, और पेन बनता है, पेन बनाने के बदले में उसने अपने लिए निर्धारित किया कितना, मान लीजिए कि 3 रुपए लाभ के रूप में। अब जोड़ दीजिए, ये हो गया 10 रुपए। ये 10 रुपए क्या है, इस पेन की कीमत है। किस आधार पर गणना हो ये कीमत, इसकी साधन लागत पर, अर्थात जितना इस वस्तु को बनाने में श्रम लगा है उसके ऊपर जो लागत वहन की गई है, इस वस्तु को बनाने में जो पूंजी लगी है उसके ऊपर जो लागत वहन की गई है, इस वस्तु को बनाने में जो भूमि का उपयोग है किया गया है उसके बदले में लगान के रूप में जो उसको भुगतान किया गया है, और उद्यमी द्वारा अपने लाभ के रूप में जो रखा गया है, उन सबके, उन सभी लागतों का हम योग कर लेते हैं, जो राशि हमारे सामने आती है वो क्या हो गई, उसको हम कहेंगे 10 रुपए इस वस्तु का कीमत है। और इस कीमत का आकलन किस प्रकार से हो रहा है या किस आधार पर हो रहा है, साधन लागत पर, अर्थात इस वस्तु को बनाने में जो ये साधन लगे हुए हैं, जितने साधन लगे हुए हैं और जितनी मात्रा में, जितने प्रकार के साधन लगे हुए हैं और जितनी मात्रा में साधन लगे हुए हैं, उन सभी साधनों के योगदान के बदले में जो उनको दिया गया है, उपलब्ध कराया गया है, प्रदान किया गया है, उन सब का योग। और अगर उद्यमी या साहसी के दृष्टिकोण से, उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें तो ये उसकी वस्तु को बनाने की लागत हो गई है जो कि उसने इन उत्पादन के साधनों पर उठाया है। तो जब हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जब हम साधन लागत हो गया तो हम कहेंगे कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट मापने के आधार, पहला साधन लागत पर। अब साधन लागत में हम मान लीजिए कह रहे हैं कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी साधन लागत पर, GDP की गणना क्या कर रहे हैं, साधन लागत पर कर रहे हैं। GDP की परिभाषा क्या है, GDP की परिभाषा है कि एक वर्ष की समय अवधि में उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मूल्यों का योग, उस वर्ष के लिए उस देश का GDP कहलाएगा। अब साहब एक तो ये परिभाषा हो गई GDP की, लेकिन जो वो वस्तु का मूल्य की गणना हो रही है वो किस आधार पर उस मूल्य की गणना हो रही है, तो पहला हमने आपको क्या बताया, साधन लागत के आधार पर, एट फैक्टर कॉस्ट। और एट फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या देखा, एट फैक्टर कॉस्ट में आपने देखा कि साधन 4 प्रकार के हैं, ये चारों उत्पाद, ये साधन जो है किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगेंगे ही लगेंगे, और जब ये उत्पादन में अपना योगदान देंगे तो बदले में ये अपना प्रतिफल भी प्राप्त करेंगे। अब आ जाइए, जब GDP की गणना एक वर्ष की अवधि में घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके मूल्य की गणना, उन सभी के मूल्यों का योग ही GDP होगा, तो उस वस्तु की उत्पादन, जो अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा का उत्पादन हुआ उसके मूल्य की गणना का आधार क्या है, किस आधार पर गणना किया जाता है, एक हो गया आपका साधन लागत के आधार पर। अब अगर मान लीजिए कि इस भारतीय अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत या भारत देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत इसी एकमात्र पेन की का प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी कीमत 10 रुपए है, और ये 10 रुपए इसकी कीमत कैसे आई है, साधन लागत के आधार पर आई है, अर्थात इस वस्तु को बनाने में जितने साधन लगे हुए हैं उन साधनों के ऊपर जो लागत वहन की गई है उस लागत के आधार पर इस वस्तु की कीमत या मूल्य का आकलन किया गया है। और हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ष की समय अवधि में अंतिम वस्तु के रूप में यही एक पेन उत्पादित हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य 10 रुपए है, ये 10 रुपए आपका है। इस तरह से अगर हम गणना करते हैं तो उसको कहते हैं साधन लागत के आधार पर GDP का मापन, या साधन लागत के आधार पर GNP का मापन, या साधन लागत के आधार पर NNP का मापन, या साधन लागत के आधार पर NDP का मापन। मतलब जो सभी चारों कॉन्सेप्ट्स हैं, जो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के, ये राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने की संकल्पनाओं के रूप में जो चारों संकल्पनाएं हैं, चारों जो कॉन्सेप्ट्स हैं GDP NDP GNP NNP सबकी गणना 4 प्रकार से हो सकती है, या चार आधार पे हो सकती है, मापने का आधार, सबको मापने का 4 आधार हो सकता है। उसमें हमने आपको पहला बताया साधन लागत के आधार पर मापन,
उसमें हमने आपको बताया कि पहला क्या हो गया, साधन लागत के आधार पर, साधन कितने प्रकार के होते हैं, उन साधनों की ऊपर लागत कैसे जो वहन की जाती है वो किस प्रकार से वहन की जाती है, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, वो आपने यहां के संदर्भ में देखा, आपने यहां के संदर्भ में देखा। क्लियर हो गया? अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम जीडीपी की गणना या जीएनपी की गणना या एनएनपी की गणना या एनडीपी की गणना साधन लागत के आधार पर करते हैं तो उसका मतलब क्या है, जितनी जैसे हम कहें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सपोज करिए जब हम कहें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष की समय अवधि में हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी कुल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उन वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य की गणना जीडीपी कहलाएगी, और उस मूल्य का आकलन कैसे किया गया है, उन वस्तुओं को बनाने में जितने उत्पादन के साधन लगे हुए हैं हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की समय अवधि में जितनी कुल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई उन सभी अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के उत्पादन के क्रम में जितने कुल उत्पादन के साधन, कुल श्रम, कुल पूंजी, कुल भूमि, कुल साहसी या उद्यमी लगे हुए हैं उनके लागत के आधार पर जब हम गणना करते हैं तो कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य साधन लागत पर, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब दूसरा जो है इसमें जो दूसरा है वो है बाजार कीमत पर। At market price, साधन लागत पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में ज्यादा उम्मीद मुझे यही है कि आप लोगों को इतना विश्लेषित करने के बाद इसको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या हो गया, बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर जब हम देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का आकलन या उसकी गणना बाजार कीमत के आधार पर करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ये समझिए कि जो भारत देश है, मान लीजिए कि ये भारत है, भारत देश के लिए देश में एक सरकार भी होगी, सरकार होगी, भारत देश है, भारत देश में एक सरकार भी होगी, स्वाभाविक रूप से सरकार होगी। अब ये सरकार होगी तो सरकार होने के रूप में इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, देश की आर्थिक विकास की जिम्मेदारी होगी, देश के कल्याण के स्तर को, मानवीय कल्याण को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर होगी, तो विविध प्रकार की है, दिन प्रतिदिन के शासन और प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी तो होगी, न्याय, शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी प्रायः सरकार की होती है। तो इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में सरकार को व्यय करना पड़ता है, सरकार होने के कारण सरकार को कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, कुछ जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में सरकार को व्यय करना पड़ता है। अब उस व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं से आय भी प्राप्त करनी होगी। उस आय को प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है, कर होता है, टैक्स। सरकार इन समस्त सरकार होने के कारण जो समस्त जिम्मेदारियां उसकी संविधान के द्वारा उसको प्रदत्त है या उपलब्ध कराई गई हैं, उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में जो खर्च करना पड़ता है या व्यय करना पड़ता है, उस व्यय की राशि को प्राप्त करने के लिए उसको आय भी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उस आय प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर सोर्स टैक्स है। आप यकीन जानिए कि भारत को, भारत सरकार के संदर्भ में या भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें, जो केंद्र सरकार को कुल समस्त आय प्राप्त होती है सभी स्रोतों से, उसमें सबसे ज्यादा आय जो प्राप्त होती है वो कर से होती है। अबव 80% जो रेवेन्यू जनरेट करती है वेरियस सोर्सेस से इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें मोर देन 80% 85-87% वो जो इनकम जनरेट होती है सरकार को, आय प्राप्त होती है वो कर नामक स्रोत से प्राप्त होती है, अर्थात कर से प्राप्त होती है। अब ये कर कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर, और
अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर क्या है? जब हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे तब उसके संदर्भ में इसको, उसके हिसाब से जितनी उसकी आवश्यकता वहां पे होगी उसके हिसाब से उसकी चर्चा है, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। यहां के संदर्भ में हम देखते हैं तो हम आपको एक सामान्य तौर पे ये बताना चाहेंगे कि जो सरकार आय प्राप्त करती है वो उसमें सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कर है। और कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जब हम अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के ऊपर, आय और संपत्ति, इनकम एंड वेल्थ, इसके ऊपर जब कर आरोपित करती है सरकार, तो वो प्रायः उस कर का नेचर या स्वरूप क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, वो प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर मतलब जिसके ऊपर कर लगा, ए को कर के रूप में 10 रुपए पे करना है सरकार को, तो सरकार इसके ऊपर कर आरोपित करती है और इस कर की 10 रुपए की राशि को ये महोदय अपनी जेब से निकाल के सरकार के राजकोष में जमा करते हैं। तो जिसके ऊपर कर लगा, सरकार ने जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया, वही व्यक्ति उस कर की राशि को सरकार को दे रहा है। अगर कर की प्रकृति या कर का स्वरूप ऐसा है तो उसको कहेंगे कि अमुक कर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, ए नामक व्यक्ति के ऊपर कर लगा, ए नामक व्यक्ति के ऊपर यही 10 रुपए का कर लगा। अब ये क्या करता है, इस कर की राशि को, कर क्या होता है, एक प्रकार का बोझ होता है, बोझ को अपने कंधे पर ढोना नहीं चाहता। अगर आप पढ़ाई को बोझ समझ लेंगे तो आप यकीन जानिए बोझ इस कंधे पे ढोना कोई नहीं चाहता, इसलिए इसको बोझ ना बनाइए, इसमें अपनी रुचि पैदा कीजिए। और रुचि कैसे पैदा होगी, जब चीजों को समझेंगे बेहतर तरीके से। और चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम आपके लिए उपलब्ध हैं, आरनेस सेवा में है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ए के ऊपर कर लगा, ये इस कर को, कर की राशि को देना नहीं चाहता है। 10 रुपए हम मेहनत करके अपने पास कमाए, उसमें से 10 रुपए सरकार नामक संस्था के सामने खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि साहब जो आपने आय प्राप्त की उसमें 10 रुपए हमारा बनता है सरकार होने के कारण। और मजे की बात क्या है, सरकार जो टैक्स लेती है ना, उस टैक्स के बदले में कोई आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी प्रोवाइड नहीं कराती है, कोई आश्वासन भी नहीं देती है, प्रोवाइड कराने की तो बात छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, पैसा आप जो है सरकार होने के कारण लेके चले जा रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं सुनो इससे कोई लाभ आपको सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी। सड़क बन रही है कर के माध्यम से, सड़क कर के से प्राप्त राजस्व से सड़क बन रही है, तो जो कर देने वाला है वो भी, जो कर ना देने वाला है वो भी, सबके लिए वो सड़क सार्वजनिक वस्तु है, उसमें अपवर्जन का सिद्धांत ही नहीं लागू है। तो जो अप्रत्यक्ष, जो ए नामक व्यक्ति के ऊपर कर लगा, और अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये उत्पादक है, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, जैसे हमने आपसे कहा कि इस पेन का उत्पादन कर रहा है व्यक्ति और साधन लागत के आधार पर इस पेन की कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए की चीज का, 10 रुपए की चीज का उत्पादन किया ए नामक व्यक्ति ने, 10 रुपए की चीज का उत्पादन किया ए नामक व्यक्ति ने, और इसमें क्या होता है, सरकार कहती है कि इस पे हम उत्पाद कर या एक्साइज ड्यूटी के रूप में आपसे 10% हमको चाहिए। अर्थात जितने साधन लागत के आधार पर आकलित वस्तु के मूल्य, जितना भी मूल्य है, उसके ऊपर सरकार कहती है कि 10 रुपए का, 10% का हमको एक्साइज ड्यूटी चाहिए। उत्पाद कर, किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन बिंदु पर लगाया गया कर सरकार द्वारा उसको कहते हैं उत्पाद कर या एक्साइज ड्यूटी। अब ये जो उत्पाद कर है, इस वस्तु द्वारा उत्पादित वस्तु के इस मूल्य पे आरोपित हो रही है, 10 रुपए की वस्तु पे 10 रुपए का, 10% का एक्साइज ड्यूटी, तो कितना हो गया, 1 रुपए हो गया, हो गया ना 1 रुपए, 1 रुपए हो गया। अब कर क्या है, कर हमने आपको बताया कि एक प्रकार का बोझ है, मेहनत कोई और करे उसका प्रतिफल क्या, एक हिस्सा कोई और लेके चला जाए, क्यों लेके चला जाए भाई। अब मजबूरी यह है कि सरकार के पास वैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, नहीं देंगे तो आपको जेल में लेके चली जाएगी झाप। तो ऐसी स्थिति में कर देना इनकी मजबूरी है, व्यवस्था है। अगर सरकार ने संसद से पास करा के कर आरोपित कर दिया है कि प्रत्येक उत्पादित वस्तु के मूल्य के ऊपर 10% का एक्साइज ड्यूटी सरकार इंपोज करेगी, उसको जो है प्राप्त भी करेगी, तो इनको 1 रुपए देना मजबूरी है, इनकी इच्छा हो चाहे ना हो वो दीगर बात है। अब यहां पर क्या होता है, 1 रुपए जो ये उत्पादक देता है कर के रूप में, और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इसको जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ के रूप में इसने रखा है वो कितना रखा है, वो रखा है 3 रुपए। अब इसमें से अगर 1 रुपए दे दे तो इसका लाभ कितना हो गया, 2 रुपए ही बचा,
और यकीन जानिए विवेकशील व्यक्ति होने के कारण हम अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं उसे बढ़ाना ही नहीं चाहते, उस लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे यहां पे क्या हुआ, अगर उस 3 रुपए जो कि लाभ के रूप में अपने लिए उद्यमी या परिश्रम साहसी ने रखा है, लाभ भी ऐसा नहीं कि जो चाहेगा मन में वो रख लेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ दौरान जब उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण के अंतर्गत हम उद्यमी के द्वारा या लाभ के रूप में जो लाभ का निर्धारण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, तो वहां इसका विश्लेषण हम करेंगे थ्योरेटिकल रूप में। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 3 रुपए उसने लाभ के रूप में रखा है, उसमें से 1 रुपए वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है उसको, तो उसका लाभ घट जाता है 2 रुपए, और वो किसी सूरत में अपने लाभ को कम करना नहीं चाहता, वो लाभ को बढ़ाना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस बोझ को 1 रुपए के कर के रूप में, एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क नामक करके 1 रुपए के बोझ को वो वहन नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, सरकार ने कहा है तो देना है। अब उसके लिए वो रास्ता तलाशता है कि बचने का क्या रास्ता होना चाहिए। आप देखिए, बचने का रास्ता जो निकालता है वो क्या करता है, इस बचने के लिए क्या करता है, जो कीमत वस्तु की निर्धारित है साधारण लागत के आधार पर, इस पेन की वो 10 रुपए है, सरकार ने 1 रुपए या 10% एक्साइज ड्यूटी लगा दी वस्तु की उत्पादन बिंदु पे, वस्तु को बनाने में जो श्रम लगे हुए हैं उन श्रम के ऊपर, जो उत्पादन के साधन लगे हुए हैं उन उत्पादन के साधनों पर जो लागत वहन की गई है उसके आधार पर जो वस्तु की कीमत निर्धारित हुई है 10 रुपए है, तो इस 10 रुपए को के मूल्य के बराबर, मूल्य के ऊपर 10% का एक्साइज ड्यूटी सरकार ने इम्पोज किया, मतलब 1 रुपए। अब इस 1 रुपए को वो क्या करता है, अपने पास से नहीं देता है, उस 1 रुपए को उस वस्तु के इस फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जो 10 रुपए निर्धारित हुई है उसी में जोड़ देता है। सिंपल सी चीज है। अब ये हो गया 11 रुपए। अब इस आधार पर जब हम वस्तु के मूल्य का आकलन करेंगे कि वस्तु बाजार में, देखिए उत्पादन बिंदु पर उत्पादन के साधनों की लागत के आधार पर जो उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हुआ है वो हो गया है आपका 10 रुपए, और वो कितना हो गया आपका 10 रुपए। ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके कारण है, और इस टैक्स की राशि को इसमें जोड़ दिया गया है। अब ये वस्तु बाजार में जब पहुंचती है तो कितने में मिलती है उपभोक्ता को, 11 रुपए में मिलती है। अगर सरकार नामक संस्था बीच में नहीं होती, टैक्स इंपोज नहीं करती, तो यह वस्तु उपभोक्ता को कितने मिलती, 10 रुपए में मिलती। यह कीमत जो हो गई वस्तु की निर्धारित हो गई, ये उत्पादन के साधनों की लागत के आधार पर, अर्थात साधन लागत के आधार पर वस्तु की कीमत निर्धारण, और ये जो वस्तु की कीमत हो गई ये बाजार कीमत पर वस्तु का बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय का मापन या वस्तु की कीमत का मापन या वस्तु उत्पादन के मूल्य का आकलन। अब ये जो अंतर आया ना भैया, ये जो है वो सरकार के कारण आ रहा है, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर के कारण आ रहा है। और कर में भी कर कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर हो गया जीडीपी। अब इसी एक पेन की कीमत है, अगर हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत हो रही है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, वो हो गया आपका 10 रुपए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब बाजार कीमत के आधार पर इस वस्तु के मूल्य का आकलन, तो जीडीपी, यही एक चीज मान लीजिए अंतिम वस्तु के रूप में उत्पादित हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये कितना हो गया, 11 रुपए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी का एक अंश अभी बाकी है, क्लाइमेक्स तक हम नहीं पहुंचे, अब उसमें क्या है हम देखेंगे। देखिए जिस तरह से सरकार द्वारा कर लगाने पर वस्तु की कीमत, अप्रत्यक्ष कर लगाने का हम विशिष्ट तौर पे कहें, स्पेसिफिक इसको जो हम अगर इसकी व्याख्या कहें बताने की कोशिश करें, तो अप्रत्यक्ष कर लगाने के कारण क्या हो रहा है, उत्पादन बिंदु पर वस्तु के मूल्य की तुलना में बाजार में पहुंचते पहुंचते वस्तु की मूल्य की कीमत या वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, और उत्पादन बिंदु पर वस्तु का मूल्य और बाजार में पहुंचने पर वस्तु के मूल्य में जो अंतर होता है वो क्यों होता है, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर के कारण। अब सरकार कर लगाती है तो कर की प्रवृत्ति क्या देख रहे हैं आप, वस्तु के मूल्य को बढ़ा दे रही है, 10 रुपए की वस्तु को बाजार में 11 रुपए कर दे रही है। लेकिन इसी के साथ साथ
सरकार अर्थव्यवस्था में सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। कराती है सब्सिडी, सब लोग अवगत होंगे। तो जिस तरह से कर का नेचर या कर की प्रकृति होती है कि वस्तु की कीमत को बढ़ा देती है, उसी तरह से सब्सिडी की प्रवृत्ति या नेचर उसका ऐसा होता है कि वो वस्तु की कीमत को बाजार मूल्य की तुलना में, बाजार में उत्पादन लागत के आधार पर आकृत मूल्य की तुलना में बाजार में उसका मूल्य वो होता है कम हो जाता है या घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 का रुपए का सिलेंडर हो घर में, एलपीजी पे जो हम खाना बनाते हैं, सरकार कहती है कि पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए इस प्रकार के ईंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको वहन नहीं कर सकते हैं इतना रुपए, तो सरकार कहती है कि भैया 40% हम इस वस्तु के मूल्य पर या इस वस्तु पर 40% सरकार सब्सिडी देगी। अब इस वस्तु को बनाने में उत्पादन बिंदु पे जो लागत उत्पादक द्वारा वहन की गई है वो 1000 रुपए है, सरकार इसके ऊपर 40% सब्सिडी देती है, तो इस सब्सिडी के कारण 400 रुपए इस वस्तु की कीमत घट जाती है, और जब बाजार में या उपभोक्ता के पास ये वस्तु पहुंचती है तो कितने में पहुंच रही है, 600 रुपए में पहुंच रही है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से कर की प्रवृत्ति करके वस्तु के मूल्य को बाजार में बढ़ाने की होती है, उसी तरह से सब्सिडी की प्रवृत्ति वस्तु के मूल्य को बाजार में घटाने की होती है। अब एक वर्ष की समय अवधि में सरकार जो है वो जितना कुल कर आरोपित करती है, उस कर के अप्रत्यक्ष कर आरोपित करती है, उस कर के बराबर बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन एक वर्ष की समय अवधि में सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो हम पूरे कर के कारण जैसे 10 रुपए उत्पादन लागत पर साधनों, उत्पादन बिंदु पर साधनों की लागत के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हुआ, 1 रुपए सरकार टैक्स लगा रही है, वस्तु का बाजार मूल्य होगा 11 रुपए, लेकिन सरकार सब्सिडी भी देती है। अगर सरकार इसी वस्तु पे मान लीजिए कि 5% सब्सिडी दे रही है, तब क्या होगा, 10 रुपए की मूल्य की वस्तु पर या 10 रुपए की वस्तु पर 5% सब्सिडी दे रही है, तो क्या होता है, 10 रुपए वस्तु का मूल्य प्लस 1 रुपए कर की राशि माइनस सब्सिडी के कारण उस वस्तु का बाजार मूल्य घट रहा है तो उसको माइनस करेंगे, तो वो क्या हो गया, 50 पैसे। अब ये कुल कितना हो गया, 10 रुपए 50 पैसे। ये जो चीज हुई इसी को हम कहेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है, क्लियर है, नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को दो बार देखिएगा, निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम सूत्र के रूप में रखें तो क्या कहेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस जब हमको प्राप्त करना होगा, देखिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना था, अगर इसी वस्तु के पूरी अर्थव्यवस्था में मात्र यही एक पेन पारित हो रही है, तो हमने आपको क्या बताया था कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए था, ठीक है, और GDP एट मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य के आधार पर इस वस्तु बाजार मूल्य के आधार पर इस वस्तु की गणना हुई है तो वो कितना था, उसको कहें GDP एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत के आधार पर वस्तु का मूल्य वो था 10 रुपए 50 पैसे। इसको अगर हम निकालेंगे तो हम इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस को प्राप्त करने के लिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट अर्थात मान लीजिए कि जो इसके पहले वाला उदाहरण हमने देखा था 10 रुपए इस पेन का मूल्य फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, अर्थात GDP एट फैक्टर कॉस्ट ये कितना था, ये आपका है 10 रुपए प्लस GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस कुल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कुल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कुल अप्रत्यक्ष कर के रूप में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी 1 रुपए, उसमें से सब्सिडी घटा दिया गया
50 पैसे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया ये, ₹10.50। इसी तरह से अगर हम मूल्य की गणना करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त करने के लिए ध्यान से देखिए, सूत्र के रूप में अभी तक हमने आपको जितना समझाया वो सूत्र के रूप में एक लाइन में इसी तरह से किताबों में आपको उपलब्ध मिलेगा। किताब में ऐसा नहीं होगा कि इसको पूरे हर अंश को, हर इसके एस्पेक्ट को स्पष्ट करने के बाद आपको क्रमबद्ध रूप से समझाया जाए। तो इस तरह से आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मूल्य और प्लस कुल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अतः से मान लीजिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जो भी लगे हुए उत्पादन के कार्य में, उसके कारण जितनी कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन अंतिम वस्तु कुल अंतिम देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन साधन देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना उनमें लगे हुए साधनों के लागत के आधार पर करते हैं, उसको हम कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, ठीक है। वो मान लीजिए 100,000 रुपए है, ठीक है। एक वर्ष की समय अवधि में अर्थव्यवस्था में सरकार कुल अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो राजस्व अर्जित करती है या प्राप्त करती है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स ये कितना है, ये मान लीजिए कि 10,000 रुपए है। ये कितना है, ये 10,000 रुपए है। और उसी एक वर्ष की समय अवधि में सरकार जो अर्थव्यवस्था में कुल सब्सिडी उपलब्ध कराती है, टोटल सब्सिडी वो है मान लीजिए कि 5,000 रुपए, ठीक है। एक वर्ष की समय अवधि में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुओं साधन वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं साधारण लागत के आधार पर, उनका मूल्य 100,000 रुपए है। एक वर्ष की समय अवधि में देश की सीमा देश में अप्रत्यक्ष कर के द्वारा जो सरकार को आय प्राप्त हो रही है वो 10,000 रुपए है। अगर ये चीज नहीं रहती, ये सब्सिडी वाला सिस्टम नहीं रहता, तो हम क्या कहते, हम कहते कि अब इस 100,000 रुपए ये है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 रुपए है, तो बाजार में वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 110,000 रुपए। लेकिन इसमें इस टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को में से हम टोटल प्रोवाइडेड सब्सिडीज को घटाएंगे तो हमको जो मिलता है वो कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कितना, इस ये बराबर कैसे होगा, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडी ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये इसी प्रकार से टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 रुपए। ध्यान दीजिए, टोटल प्रोवाइडेड सब्सिडी, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स 10,000 रुपए माइनस टोटल सब्सिडीज जो उपलब्ध कराई गई अर्थव्यवस्था में 5,000 रुपए, ये हो गया बराबर कितना, 5,000 रुपए। यही आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडी विल बी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स डीपी एट मार्केट प्राइस। ये प्राप्त कैसे होगा, अर्थात बाजार मूल्य के आधार पर जीडीपी के मूल्य का आकलन या आकार या मात्रा की गणना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसको कहेंगे। ये जो है ये
प्राप्त कैसे होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपने समझा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्राप्त, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्राप्त करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करने के लिए टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टोटल सब्सिडी। ये है आपका पूरा इसका परिणाम। तो मापने के आधार चार होते हैं, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया वर्तमान में प्रचलित बाजार कीमतों पर, वर्तमान समय में बाजार में जो वस्तु की कीमत प्रचलित है उसके आधार पर अगर हम उसकी आकलन मूल्य का आकलन कर रहे हैं तो कहेंगे जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस। और जब किसी आधार वर्ष के आधार पर उस वस्तु का मूल्यांकन करेंगे जो वर्तमान में बाजार में उपस्थित है, उपलब्ध है बिक्री के लिए या उत्पादित हो रही है, उसके मूल्य का आकलन एक निश्चित आधार वर्ष जो कि विगत में के द्वारा निर्धारित हो रही है उसके आधार पर हम करें उस वस्तु के मूल्य का आकलन करें तो कहेंगे कि प्रोडक्ट प्राइस एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस या जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अब ये जो दो तीसरा और चौथा है इसका विश्लेषण हम आगे जब विधिवत रूप में चलेंगे पढ़ेंगे तो करेंगे। यहां पे एक चीज समझाने की कोशिश मैंने ये की कि टेक्निकलिटी कहां है, अपने दिमाग को हमको किस तरह से अप्लाई करना है इस पोर्शन पे। परिभाषा दो लाइन की है, कहने के लिए दो लाइन है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको आवश्यक होता है कि उसके सभी पक्षों को, जितना उसका विस्तार है, जिससे जिससे उसका संबंध है, उस सबको समझना, और तभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। हम आपसे कह दिए होते कि जीडीपी की परिभाषा या सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा ये होती है, दो लाइन की है। हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीजें विशिष्ट तौर पे आपको ध्यान देने की है। जब उन चीजों के बारे में आप अवगत हो जाते हैं तब आप समझ लेते हैं कि आपके सामने जीडीपी आता है तो आप समझ जाते हैं कि ये है क्या, रूप स्वरूप आकार गुण उपयोगिता अनुपयोगिता महत्व, तब आपको समझ में आता है। परिभाषा तो केवल दो लाइन की होगी, इसकी किताब में लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है, पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब उसके अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स टफ नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बट नेचुरल टफ हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है कि टफ ना हो। आसान कितना होगा, जब कब होगा, जब इस इन सारे कॉन्सेप्ट को उसके सही स्वरूप में हम समझे रहेंगे। और एक बार दिमाग लगा के मेहनत करके अगर उसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझे तो हिस्ट्री नहीं है कि पढ़ लिया रट लिया रट लिया, रटने में समय खर्च कर रहे हैं, चार दिन बाद वैनिश स्वाहा ना। इसको पढ़िए तो सही, एक बार मन से दिमाग से समझ के पढ़िए, एक बार समझ लेंगे, चार साल बाद हम आपसे कहेंगे कि जीडीपी घट रही है, सारी चीजें आपके सामने एकदम आईने की तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि इसका क्या मतलब है जीडीपी घट रही है। तो और जीडीपी घट रही है तो ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित दुष्प्रभावित करेगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित दुष्प्रभावित होगी, देश के नागरिकों को इसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, और घट रही है तो क्या क्या रिपर्कशन इसके हो सकते हैं कि अब इस रिपर्कशन को समाप्त करने के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए, इन कमियों से निपटने के लिए हमको किस स्तर पर किस तरह का कितना प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सारी चीजें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे हों। अर्थशास्त्र की यही खूबसूरती है, यही विशिष्टता है, जो प्रायः छात्रों से जो सुनने को मिलती है, अभ्यर्थियों से मिलती है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द एडवांस स्टेजेस,
के अभ्यर्थी जो भी होते हैं, सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी, बीए फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी, सॉरी स्टूडेंट, उनसे ये सामान्य शिकायत मिलती है कि सर ये सर इकोनॉमिक्स ये हमारी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आई यार? मैं हूं उसके सही स्वरूप को बताने के लिए, मैं हूं आपके साथ मेहनत करने के लिए, मैं हूं आपके साथ समय बिताने के लिए, मैं हूं आपके साथ। एकमात्र अपेक्षा, एकमात्र जो आपसे अपेक्षा है वो यही है कि मैं जितना समय आपके ऊपर बिताता हूं, मेहनत करता हूं आपके लिए, उतना तो कम से कम चले हमारे साथ आप। उतना चलिए फिर देखिए, उतना चलिए फिर देखिए, जीवन में आगे आपके सफलताएं ही मिलेंगी, सफलताओं के बाद उससे प्राप्त मीठे मीठे अनुभव प्राप्त होंगे, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वेतन के रूप में मोटा पर्स रहेगा आपका। चलिए तो सही साथ में। मैं आपको अश्योर करा रहा हूं, जितना आप मेहनत करेंगे उसका दुगना मेहनत करूंगा मैं, जितना आप समय देंगे उसका दुगना समय दूंगा मैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना, तो अर्थशास्त्र के पढ़ने के क्रम में दो चीजें और हम देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र पढ़ने के साथ ही हम ये कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील होता है, ये प्राथमिक मान्यता मान लेते हैं, उसके बिना हम विश्लेषण ही नहीं करते हैं उस व्यक्ति का, उत्पादक के रूप में भले ही हो या उत्पादक उपभोक्ता के रूप में हो, उसका हम विश्लेषण ही नहीं करते हैं, हम प्राथमिक मान्यता मान लेते हैं कि व्यक्ति विवेकशील होगा। उसी तरह से जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो व्यक्ति जन्म के समय स्वभाव से आलसी होता है। एग्जाम में आप टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में फॉर्म पढ़े हो, आपको पता हो कि 8000 वैकेंसीज हैं, फॉर्म पढ़े हैं मात्र 6000। मेहनत नहीं भी करेंगे तो आपका चयन निश्चित। कौन कम वक्त मेहनत करना चाहता है? पेन कॉपी रखा, पैंट शर्ट पहना और चले गए सिविल लाइंस घूमने, गंगा जी के किनारे घूमने का चले गए, या जो भी हमको अच्छा लगता है उसमें पढ़ना कौन कम वक्त चाहता है? हम स्वभाव से आलसी होते हैं। उसका एकदम बिल्कुल स्पष्ट जो है आपको मैं उदाहरण दूं, तो जैसे जैसे एग्जाम आता है थ्रू आउट ईयर, हम 365 साल उसी मेहनत से, उसी रिदम से, उसी लगन से नहीं पढ़ते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, वैसे वैसे हमारी मेहनत का क्रम बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमने आलस किया था, काम करना कोई नहीं चाहता। और हद तो तब हो जाती है कि एग्जाम की ठीक एक दिन पहले इतना हम मेहनत करते हैं, इतना हम उद्यमी हो जाते हैं, इतने परिश्रमी हो जाते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हमको नींद ही नहीं आती उस एंग्जाइटी के कारण। तो ये बैलेंस बिहेवियर नहीं है। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति क्या होता है? स्वभाव से आलसी होता है, और व्यक्ति स्वभाव से लालची भी होता है। ये इनबिल्ट नेचर है। अब लालची होता है तो क्या होता है? पीजीटी के एग्जाम की, टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के क्रम में हमारे मन में भैया हो जाए, भगवान हो जाता, करा दो यार किसी तरह से, भगवान ने करा दिया, आपने मेहनत किया है तो भगवान ने कराया। खैर जब आपका हो जाता है तो आप क्या देखते हैं? कहते हैं कि यार इतना नंबर रहता है तो हम टॉप 100 में रहते, जो टॉप 100 में कहता है कि इतना नंबर रहता है तो टॉप 10 में रहते, जो टॉप 10 में रहने वाला है वो भी संतुष्ट नहीं है, लालची है ना, लालच समाप्त नहीं होती। तो जो टॉप 10 में रहने वाला आदमी है वो क्या कह रहा है कि बच्चा है जो एस्पिरेंट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कुछ नंबर और पा गए होते तो हम ही टॉप किए होते, पेपर में मेरा नाम होता, अमुक ने टॉप किया, इतने मेहनत से पढ़ा, इतनी कठिनाई से पढ़ा। अरे मेहनत हम और आप तो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, हमसे आपसे मेहनत ज्यादा या आपसे मेहनत अभ्यर्थी से ज्यादा मेहनत उसके अभिभावक करते हैं। खैर तो टॉप 10 में, अंडर 10 में आने वाला लड़का सोचता है कि, एस्पिरेंट सोचता है कि और नंबर मिल गया था तो टॉप कर गया होता। जो टॉप किया लड़का है वो क्या सोचता है? वो भी संतुष्ट नहीं है, वो सोचता है कि काश इसमें अगर हम 8-10 नंबर और पा गए होते तो एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि कभी टूटता नहीं, 8-10 नंबर और ज्यादा भी उससे मिले होता, टॉप किया, 8-10 नंबर जितना मिलना चाह रहा था, जितना उसका है उससे 8-10 नंबर और ज्यादा मिल गया होता ना, उतना भी अगर मिला होता तो भी वो संतुष्ट नहीं होता। वो सोचता कि 10-20 नंबर और मिल गया होता तो ये ऐसा रिकॉर्ड बनता कि कभी टूटता ही नहीं। तो मनुष्य क्या है? अपने प्राप्ति से कभी संतुष्ट नहीं होता है, और यही मानव के विकास का रास्ता भी है। हम संतुष्ट जाते हैं तो बैठ जाते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है, बिना प्रयास के परिष्कार नहीं होता, बिना प्रयास के उन्नति नहीं होती। मेहनत करिए, जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ही प्रयास, उतना ही परिष्कार होगा आपका, उतनी ही उन्नति की तरफ आप अग्रसर होंगे। और जितना ही आप प्रयास करके परिष्कार
करेंगे अपना, उतना ही आपकी सफलता या आपका लक्ष्य आपके नजदीक होगा। इस कॉम्पिटिटिव एज में जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है। खूब मेहनत करिए, खूब मन से पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका के संविधान पर ऐसे चिंतक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम, जॉन लॉक की बात कर रहे हैं। 1632 से 1704 तक का इनका कालखंड है। 1632 से 1704 तक का जॉन लॉक का कालखंड है। ऐसा विचारक जो कि उदारवाद का जनक कहलाता है, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत कहलाता है, सामाजिक समझौता को व्याख्यायित करने वाला, अर्थात सामाजिक समझौता जिसे थॉमस हॉब्स लेकर चले थे, उसको चरम पर पहुंचा के कहीं ना कहीं उसका जनक बन जाता है। और इनके सामाजिक समझौते के हिसाब से, इनके सामाजिक समझौते के परिणाम द्वारा पहली बार राज्य और सरकार दो अलग तत्व हैं, इस बात की पुष्टि होती है, इस बात की पुष्टि होती है। ऐसे जॉन लॉक, जिन्हें मैंने कहा उदारवाद के जनक हैं, अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत हैं, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के जनक हैं, ऐसे जॉन लॉक का जन्म ब्रिटेन में एक जगह है, सामरसेट, सामरसेट शायर। यहां पर एक जगह है रिंगटन। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को ब्रिटेन के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ। ब्रिटेन के रिंगटन नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता बहुत बड़े जमींदार तथा व्यवसायी थे। अर्थात बड़े ही संपन्न परिवार में जन्म लिया इन्होंने, जहां इन्हें ढेर सारा लाड प्यार तो मिला ही, ढेर सारा लाड प्यार तो मिला ही, साथ ही आसपास का वातावरण बड़ा ही खुशनुमा था, मेल मिलाप था। और जबकि जब इन्होंने जन्म लिया, ये वो कालखंड है जब इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की जनता संसद के निर्माण के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राजा के साथ संघर्ष कर रही है। लेकिन मैंने बताया आपको, बड़े ही संपन्न जमींदार व्यवसायी वर्ग में जन्म ले रहे हैं, वातावरण बड़ा खुशनुमा है, इसलिए ऐसे जॉन लॉक का मानना है कि मानव स्वभाव बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही शांतिमय और खुशमय है। यानी मानो ईर्ष्या नहीं करता, मानो स्वार्थी नहीं है, मानो बड़ा ही सुख देने वाला है और मानवों का व्यवहार बड़ा अच्छा है। यही कारण है कि थॉमस हॉब्स, जो कि जब जॉन लॉक को पढ़ेंगे एक बार जरूर हम लोग थॉमस हॉब्स पर चर्चा करते, क्योंकि थॉमस हॉब्स का मानव बड़ा ही निष्ठुर मानव है, स्वार्थी है, घृणित है, एक दूसरे से स्वार्थ बस ईर्ष्या द्वेष रखता है। और जॉन लॉक इसके उल्टा चलते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों का फर्क है,
परिस्थितियों का फर्क है कैसे? भैया थॉमस हॉब्स जब जन्म लेते हैं तो इंग्लैंड में संघर्ष की जो जनता के संघर्ष की जो परिस्थिति थी बड़ी ही संघर्षमय थी, वातावरण बड़ा ही तनावपूर्ण और बड़ा ही दर्दनाक था। बताया जाता है कि ऐसे थॉमस हॉब्स अपने जन्म के समय के पूर्ण होने के पूर्व जन्म ले लिए, इसीलिए थॉमस हॉब्स हमेशा कहते हैं मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा जुड़वा भाई भय दोनों एक साथ जन्म लिए हैं। ऐसे मानव स्वभाव से जब इनको नफरत है तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं जब मानव ऐसा है, मानव का स्वभाव ऐसा है, लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, आपस में खींचातानी तनाव की भावना रखता है, तो ऐसे मानव स्वभाव पर निरंकुश सत्ता काम करेगी। ऐसे मानव स्वभाव पर लगाम लगाने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक सर्वोच्च और निरंकुश सत्ता होनी चाहिए, अर्थात सर्वोच्च राजतंत्र होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, निरंकुश शासक होना चाहिए जो मनमाने तरीके से इनके साथ व्यवहार करे, थॉमस हॉब्स कहते हैं। और अगर आप जॉन लॉक को देखेंगे वो बिल्कुल विपरीत कहेंगे, मानव स्वभाव बड़ा मृदु है, बड़ा प्रेमी है, एक दूसरे के साथ विनम्रता से, एक दूसरे के साथ सुखमय तरीके से जीवन व्यतीत करता है, इसलिए संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, जनता की बातों को भी मानना चाहिए। ये प्रभाव इन पर कहां से आया? ये प्रभाव इन पर इनके पिता से आया, क्योंकि इनके पिता भी इंग्लैंड की क्रांति में शामिल थे और बड़े जोश के साथ शामिल थे। वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से इंग्लैंड का शासन चले, संवैधानिक तरीके से इंग्लैंड का शासन चले। यही कारण था कि पिता पुत्र के संबंध बड़े अच्छे थे। पिता के प्रति जॉन लॉक के मन में आदर्श थी, आदर्श भाव था, पिता पुत्र के संबंध बड़े ही आदर्शवान थे। और ऐसे जॉन लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी हुई। ये इतनी कहानी हम क्यों बना रहे हैं, आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि यहीं से जॉन लॉक के मानव स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य पर इनके क्या विचार है, वो निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार पढ़ाते समय ये जरूर बताया है कि कोई भी चिंतक, चिंतक कैसे बना? एक व्यक्ति जो सुकरात बन जाता है, विष का पान कर जाता है, एक व्यक्ति जो प्लेटो अरस्तु की तरीके से व्याख्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस सुकरात जिसने अपने जीवन का त्याग अपने देश यूनान के लिए कर दिया, उसके लिए दर दर भटकता है। क्यों? तो माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास के जो भी वातावरण आसपास का होता है वो उसके विचारों पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है, और वही विचार उसके अपने सिद्धांत और शब्द होते हैं। इसलिए माना जाता है कि ऐसा विचार जिसमें समाहित होता है वो विचारक कहलाता है। जॉन लॉक के पास बड़े ही प्यारे विचार है, प्रारंभिक शिक्षा बड़े ही लाड प्यार से घर में संपन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक ये 12 वर्ष के हैं तब तक इंग्लैंड में अभी भी क्रांति चल रही है, और इस दौरान एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंग्लैंड से हटाया गया, इंग्लैंड से भगाया गया, थॉमस हॉब्स जो फ्रांस में जाकर लेवियाथन लिखता है, एक ऐसी पुस्तक समर्पित करता है जो सर्वोच्च निरंकुशता को क्या करती है, व्याख्यायित करती है। ऐसा थॉमस हॉब्स अपने विचारों से पूरे इंग्लैंड में राजतंत्र साबित करने के लिए, राजतंत्र स्थापित करने के लिए वचनबद्ध था, और वो व्याख्या में यही दे रहा था। ऐसे थॉमस हॉब्स की 43 वर्ष की अवस्था है, कब? जब जॉन लॉक महज 12 वर्ष के हैं, और ये प्रारंभिक शिक्षा घर में
संपूर्ण कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखिए क्या हुआ है। अब चूंकि जॉन लॉक का पिता के प्रति बड़ा सम्मान आदर भाव है और आसपास के वातावरण से उन्हें बहुत प्रेम पाया है, बहुत कुछ सीखा, इसलिए इनके राजनैतिक विचार, आप कह सकते हैं कि जॉन लॉक के राजनैतिक विचार का मुख्य बिंदु, या आप इसे कहें केंद्र बिंदु, क्या बना? इंग्लैंड की 1688 एक गौरवपूर्ण क्रांति है। इंग्लैंड की 1688 एक गौरवपूर्ण क्रांति है। आजीवन जॉन लॉक इसको साबित करते रहे, अर्थात जॉन लॉक के विचार का, राजनीतिक विचार का केंद्र बिंदु क्या बन गया? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की यथास्थिति की औचित्यता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन इन्होंने अपने राजनीतिक विचार को इसी पर लगा दिया कि भैया जो हमारे इंग्लैंड में क्रांति हुई थी वो बड़ी ही गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और यथास्थिति वो क्रांति बिल्कुल सही थी। और उसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाए? इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में हुई है इसे गौरवपूर्ण क्रांति कब कहा जाए? कहते हैं क्योंकि इस क्रांति में एक भी रक्त नहीं बहा था, इसलिए ये रक्तहीन क्रांति। चूंकि इस क्रांति में एक भी रक्त नहीं बहा था इसलिए ये रक्तहीन क्रांति है। रक्तहीन है इसका मतलब इसका श्वेत रंग है, इसलिए श्वेत क्रांति है। चूंकि इस क्रांति का परिणाम, चूंकि इस क्रांति का परिणाम बड़ा ही ऊर्जावान और सकारात्मक रहा, इंग्लैंड में राजतंत्र समाप्त हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई, संसदीय व्यवस्था लागू हुई, अर्थात इसका परिणाम इतना अच्छा रहा कि न जाने कितने समय के जो सर्वोच्च राजतंत्र थे वो समाप्त हुए। इसलिए इन्होंने कहा इंग्लैंड की 1688 की क्रांति एक गौरवपूर्ण क्रांति है। और ये गौरवपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ना तो रक्त पर आधारित थी और इसका परिणाम बड़ा ही ऊर्जावान तरीके से सकारात्मक रहा, इसलिए ये क्या है, इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति। और आजीवन ये गौरवपूर्ण मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इंग्लैंड की जनता ने बड़ा ही साहसी कार्य किया, इसलिए ये आजीवन अपने राजनीतिक विचार को, इंग्लैंड की क्रांति को परंपरागत तरीके से गौरवपूर्ण बनाने में समर्पित कर देते हैं। बात समझ में आई? कथन कारण में ये सवाल पूछा जाता है, कथन कारण में ये सवाल अवश्य पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इनकी कंडीशन क्या है। अब इस क्रांति के कुछ बात लीजिए। जब 1688 में ये क्रांति हो रही है इंग्लैंड की, उस समय शासक है जेम्स द्वितीय, और जेम्स द्वितीय जो शासन है कर रहे हैं 1688 की क्रांति का नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 1688 की क्रांति का नारा है, 1688 की क्रांति का नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब आप समझिए क्या है भैया, आप यहां समझिएगा, हम बता रहे हैं आपको, निरंकुश सत्ता लिए हैं,
कहां पे, इंग्लैंड में आरंभ से इस निरंकुश सत्ता को बढ़ावा मिल रहा है एक ऐसे विचारक से जो विचारक बहुत ही निरंकुश विचार वाला है, जिसका मानना है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सच्चाई ये है थॉमस हॉब्स भी राजतंत्र शासन व्यवस्था को अधिक पसंद नहीं करते थे, वो भी लोकतंत्र चाहते थे, जनतंत्र चाहते थे, लेकिन उनके हिसाब से जब उन्होंने जन्म लिया इंग्लैंड का वातावरण बड़ा ही संघर्षमय था, तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है जब वहां पर निवास करने वाले लोग किसी राज्य में बेईमान हो, भ्रष्ट हो और उनमें घृणा भर गई हो, राग द्वेष हो, तब ऐसे लोगों पर निरंकुश शासक ही कार्य कर सकता है, तब वहां उदारवाद शासक कार्य नहीं कर सकता, इसलिए थॉमस हॉब्स इसके समर्थन में रहते हैं। भैया निरंकुश सत्ता है तो ये कहती है निरंकुश सत्ता, राजा क्या है, राजा ईश्वर है। अगर राजा ईश्वर है तो चर्च भी राजा के अधीन होगा, मंदिर भी राजा के अधीन होगा, मस्जिद भी राजा के अधीन होगा, अर्थात सारा धर्म राजा के अधीन होगा। चलिए मान लिया जाए राजा का आज्ञा किसका आज्ञा होगा, कहा गया देव आज्ञा होगा। राजा की वाणी किसकी वाणी होगी, कहा गया देव वाणी होगी। तो जो राजा आदेश देगा, जो राजा मनमाना कर लगाएगा, जो राजा जिस प्रकार से राज्य सत्ता चलाना चाहेगा, जनता मानने के लिए विवश होगी। क्यों? क्योंकि राजा अपने को ईश्वर स्थापित कर चुका है और इंग्लैंड में लगातार कई वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। अब लोगों ने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब आप ईश्वर है, ठीक है, आपके यहां अगर कोई पुत्र जन्म लेगा तो वो भी हमारा राजा, इसका मतलब वो भी ईश्वर, तो जनता का क्या, जनता ने तो आपको नहीं बनाया और अब हमने तय कर लिया है कि हम जन्म से जन्म लेने वाला राजा, राजा का बेटा राजा होगा, हम इसको नहीं मानेंगे। हम किसको राजा मानेंगे, जिसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर अपने लिए शासन करने के लिए पहुंचा देंगे, अर्थात सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात यहां आएगी, जॉन लॉक के विचारों में आएगी, लेकिन वो विचार आरंभ से इंग्लैंड की जनता में आ चुकी है और जॉन लॉक के पिता भी इसका समर्थन कर रहे हैं और वो यही देखकर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा आप जन्म से राजा हैं, आप ईश्वर हैं, इसलिए आप सोचे कि आप मनमाना लगा दे तो अब हम नहीं सहेंगे। और ये 1688 इसी बात को लेकर चलती है कि जो कर का निर्धारण है वह मनमाना नहीं होगा, वह मनमाना नहीं होगा, अर्थात नारा ही बन गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते तो हम आपके निर्धारित कर को भी देने के लिए बाध्य नहीं है। यही कारण हुआ कि इसे गौरवपूर्ण क्रांति की संज्ञा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे राजा को झुकना पड़ा और संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक संप्रभुता, संसदीय सत्ता, ये सब स्थापित हुई। बात समझ में आई? ये सारी चीजों की स्थापना इस क्रांति का परिणाम है और इन सब की स्थापना हुई। अब आप बताइए जॉन लॉक की सोच कहां गलत थी। वो कह रहा है बार बार कि ये जो क्रांति है होनी थी। क्यों होनी थी? क्योंकि आरंभ से हमारे यहां एक ऐसी सत्ता चली आ रही थी जिससे जनता और सब लोग बोझिल थे और सबने निर्धारित कर लिया था कि अब इस सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, एक नई सत्ता आनी चाहिए, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया और इसका नारा बना प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब ऐसी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो जन्म लिया ऐसे संसदीय लोकतंत्र का, जॉन लॉक खुला समर्थन करता है।
इस क्रांति को जीवन भर जिंदा रखने के लिए अपने राजनीतिक विचार में समाहित करता है और जीवन में एकमात्र राजनीतिक विचार का उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की यथास्थित की औचित्यता को साबित करना, ये सवाल हजारों बार पूछा जाता है और मैंने आपको उसी तरीके से बताया है। अगर आप सब्जेक्ट में लेते हैं, चाहे UPSC ले रहे हो, चाहे PGT ले रहे हो, चाहे TGT ले रहे हो, चाहे JRF नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आपको पूछा जरूर जाता है। तो ये पूरी व्याख्या के साथ ये सवाल का आंसर है, ये आपको अपने मन में बिठा के रखना है। अब क्या हो रहा है ये देखिए। अब इसी कारण 1688 की क्रांति इंग्लैंड में हुई, लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका में दिखा। अमेरिका में क्रांति हो गई, और अमेरिकी क्रांति किसके कारण हुई? 1688 पर दिए गए जॉन लॉक के व्याख्यान के कारण हुई। इसलिए अमेरिका क्रांति का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो माना जाता है थॉमस जेफरसन को। सही है क्या? अगर ये थॉमस जेफरसन 1688 की इस क्रांति को, ये जो 1688 की क्रांति इंग्लैंड में हुई, इसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रांति पर दिखेगा। मतलब एक ऐसी क्रांति जिसे आप गौरवमयी क्रांति बार बार कह रहे हैं, इस क्रांति ने अमेरिका में लोगों के मन में प्रेरणा भरा। यही कारण है कि इस क्रांति के प्रेरणा से अमेरिका में इतना वृहद क्रांति हो गया कि माना जाता है अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो जॉन लॉक है। और अमेरिकी क्रांति के जनक कौन है? तो भैया प्रेरणा स्रोत कौन है? जॉन लॉक है। कार्य कहां कर रहे हैं? इंग्लैंड में। प्रभाव कहां पड़ रहा है? अमेरिका में। कौन है वहां? थॉमस जेफरसन है, जो जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित है, और विचारों से प्रभावित होकर ऐसा थॉमस जेफरसन अपने यहां भी अब विद्रोह की भावना ला रहा है और क्रांति को आरंभ कर रहा है। ये थॉमस जेफरसन इसी कारण अमेरिकी क्रांति का जनक कहलाया। अमेरिकी क्रांति का जनक कहलाया ये थॉमस जेफरसन अमेरिका क्रांति के समय नारा देता है। ये थॉमस जेफरसन अमेरिकी क्रांति के समय नारा देता है, हे ईश्वर हमें जीवन सुख, हमें जीवन सुख और स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए। बात समझ में आ रही है? अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत आपसे सवाल पूछा जाएगा तो जॉन लॉक है। अमेरिकी क्रांति का जनक, जिसने अमेरिका में जॉन लॉक से प्रभावित होकर क्रांति करा दी, थॉमस जेफरसन, जिसने उस क्रांति के दौरान नारा दिया, हे ईश्वर हमें जीवन सुख स्वतंत्रता का आधार दीजिए, अधिकार दीजिए, आधार दीजिए, अधिकार दीजिए। और विश्वास करिए, ये 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी संविधान में पहली बार 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के नारे को शामिल किया गया। शामिल किया गया। अब सवाल, अमेरिकी संविधान में ही क्यों? भैया विश्व का पहला लिखित संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान है और पहली बार इंग्लैंड से प्रभावित हो रहा है, तो लिख दिया। और इस
संविधान में जिसमें लिखा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नारे को शामिल किया, इसी कारण कहा जाता है अमेरिका संविधान पर, अमेरिकी संविधान पर भी जॉन लॉक का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अमेरिकी संविधान पर भी जॉन लॉक का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। यानी इतने क्वेश्चन लेकर जॉन लॉक हमारे और आपके बीच खड़े हैं, इसका मतलब, इसका मतलब कि अमेरिका संविधान, अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत ये हो सकते हैं। जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का तथा उदारवाद का भी जनक कहा जाता है। जॉन लॉक किसके जनक कहलाते हैं? प्राकृतिक अधिकारों के तथा किसके जनक? उदारवाद के जनक कहलाते हैं। अब आप कहेंगे प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जो दैवी अधिकारों का खंडन कर रहा है। अर्थात दैवी अधिकार कहता है राजा ईश्वर है, राजा जन्म से, जब राज्य नहीं बना था, राज्य के निर्माण के साथ ही किसी को राजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी थॉमस हॉब्स पे मत जाइए, राजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जन्म से राजा स्वतः राज्य के साथ बन गया, और जब राज्य के साथ बन गया तो राज्य में रहने वाली सभी लोग इसके प्रजा हो गए। अब प्रजा हमेशा राजा की गुलाम होती है और प्रजा को वही कार्य करना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य है कि अपने राजा के आज्ञा का पालन करे, अपने राजा के लिए अपने अधिकारों का बलिदान कर दे। किसका कार्य है? प्रजा का। ये क्या है? दैवी अधिकार। इन्हीं दैवी अधिकारों का खंडन करके जॉन लॉक साबित करते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार कहती है कि प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उसने सबको मानव बनाकर भेजा और सबको एक समान अधिकार देकर प्रकृति में भेजा। उसने किसी को संपत्ति अधिकार ऐसी चीज नहीं दी, सबको एक समान अधिकार था। इसलिए अगर कोई ये कहे मैं राजा हूं और मैं ईश्वर हूं तो जॉन लॉक कहते उसका खंडन कर देना चाहिए। ये क्या है? ये प्राकृतिक अधिकार है। हम इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत के भी बारे में। तो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे एक एक चीज को तब ध्यान देंगे। अब देखिए क्या हुआ, इसी प्राकृतिक अधिकार और उदारवाद पर जॉन लॉक की एक पुस्तक है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक, जो कि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक जो कि 1690 में लिखा, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पुस्तक 1690 में लिखी। इस पुस्तक में जॉन लॉक ने अपने सभी राजनैतिक विचारों को प्रतिपादित किया, सारे राजनैतिक विचारों को इसमें प्रतिपादित किया, और कहा गया कि जॉन लॉक की यह पुस्तक दो खंडों में विभाजित है। इसके पहले खंड में रॉबर्ट फिल्मर के बारे में है और दूसरे खंड में थॉमस हॉब्स के बारे में। पहले खंड रॉबर्ट फिल्मर की अगर बात की जाए तो भैया रॉबर्ट फिल्मर ने दैवी अधिकारों का सिद्धांत दिया था। थॉमस हॉब्स का आप सब जानते हैं, थॉमस हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का विचार दिया था। क्या दिया था? निरंकुश सत्ता का विचार दिया था।
रॉबर्ट फिल्मर द्वारा दिए गए दैवी अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की। प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की थॉमस होब्स की निरंकुश सत्ता का खंडन करते हुए अपने राजनीतिक विचार दिए। इनके राजनीतिक विचार पहली बार सरकार और राज्य दो लोगों पर चर्चा करती है। सरकार के मूल तत्व क्या होते हैं, सरकार के मूल तत्व क्या होते हैं, कितने तत्व होने चाहिए, राज्य क्यों आवश्यक है, राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, इन सब विचारों पर बात करते कौन है, थॉमस होब्स। और थॉमस होब्स के ये सभी राजनीतिक विचार हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं राजनीतिक विचारों का मुख्य केंद्र बिंदु अभी भी है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की यथास्थिति की औचित्यता को बनाए रखना। बाकी ये सारे कार्य इन्होंने टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किया, जो 1690 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई इसमें याद रहेगा आपको। एक प्रसिद्ध विचारक कौन, वाहन, एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक वाहन है, वाहन कहते हैं। ये जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज पर टिप्पणी करके कहते हैं कि टू ट्रीटाइज ऐसी ग्रंथ है जिसमें जॉन लॉक ने इंग्लैंड की क्रांति और उसके नारे का खुलकर समर्थन किया है। और यही वाहन कहते हैं टू ट्रीटाइज ऐसी पुस्तक है, ऐसी ग्रंथ है जिसकी या ऐसी बंदूक है, या ऐसी बंदूक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी बंदूक है जिसकी दो नली है, जिसकी एक नली हमेशा रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध टनटनी रहती है, जिसकी एक नली हमेशा रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध तनी रहती है और दूसरी नली हमेशा थॉमस होब्स और उनकी लेवियाथन पर तनी रहती। क्लियर रहेगा। वाहन बताते हैं कि टू ट्रीटाइज में इन्होंने टोटल इंग्लैंड की क्रांति और उसके नारे का खुलकर समर्थन किया। फिर वाहन कहते हैं एक ऐसी ग्रंथ जो दो नली बंदूक है और एक नली इसकी रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध तनी है और दूसरी नली इसकी थॉमस होब्स, यानी एक में दैवी अधिकारों का खंडन है और दूसरे में लेवियाथन अथवा निरंकुश सत्ता का खंडन है। वाहन फिर कहते हैं कि जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज एक ऐसी ग्रंथ थी जो इंग्लैंड में आने वाली लगभग दो पीढ़ियों के लिए बाइबल की तरह पूजनीय थी। इंग्लैंड में दो पीढ़ियों तक इसे पढ़ा गया, पसंद किया गया और बाइबल की तरह पूजा गया। किसको, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, किसकी पुस्तक, जॉन लॉक की पुस्तक। बात समझ में आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण विचारक है जिन पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जॉन लॉक ने
इन्हें व्यक्तिवादी जनक भी कहा जाता है। जॉन लॉक ने अपनी ग्रंथ लेटर्स ऑन टॉलरेशन इसमें धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया, धार्मिक सहिष्णुता की व्याख्या की। जहां आपको याद होगा थॉमस हॉब्स ने, जहां आपको याद होगा थॉमस हॉब्स ने चर्च को, निरंकुश है थॉमस हॉब्स, तो चर्च को राजा के अधीन कर दिया। जॉन लॉक ने चर्च को राज्य से मुक्त कर दिया और क्या कहा, कहा धर्म व्यक्तिक विचार है, अंतःकरण की विषय है। आप अपने ईश्वर के साथ किस प्रकार अपने संबंध को स्थापित करते हैं, यह आप पर डिपेंड है। इसलिए यहां सत्ता काम नहीं करती है और ये धार्मिक सहिष्णु थे, प्रत्येक धर्म को मानने वाले थे और जो कोई धार्मिक कट्टर होता था उसका विरोध करते थे। सभी धर्म सही हो, उदारवाद हो, सहिष्णु हो, कोई धर्म कट्टर ना हो, इसी कारण कट्टरता का विरोध करते हैं और तब कहते हैं कि जो धार्मिक कट्टर हो अगर वो राज्य में रहते हैं तो राज्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें राज्य से निकाल देना चाहिए, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि ये अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, इसका प्रत्येक राज्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राज्य को हमेशा धर्म से स्वतंत्र होना चाहिए, उदारवाद होना चाहिए धर्म के प्रति, इसलिए जो कट्टर हो उन्हें राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स जो धर्म को भी राज्य के अधीन करके इतना निरंकुश है, वहीं जॉन लॉक धर्म को मुक्त करके, धर्म को स्वतंत्र विषय बनाकर, आपके अंतःकरण की विषय बनाकर क्या करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। जॉन लॉक का एक और सिद्धांत तो बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, आधुनिक काल के ऐसे विचारक प्रथम विचारक जिन्होंने पहली बार श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसका प्रतिपादन किया, श्रम के सिद्धांत का। अब भैया श्रम का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक अधिकार में सार्वजनिक वस्तु को मिलाकर बनेगा या अलग से बनेगा, ये चर्चा का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण है श्रम का सिद्धांत। देखिए श्रम का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु में, प्राकृतिक वस्तु में अर्थात आप कह सकते हैं जब किसी प्राकृतिक अथवा सार्वजनिक वस्तु में कोई भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देता है, अपना श्रम लगा देता है और उससे जो उत्पादित अधिकार हो जाता है वही उसका निजी स्वामी हो जाता है। क्यों भैया, इन्होंने दैवी अधिकार का खंडन किया, प्राकृतिक अधिकार की बात की। अब प्राकृतिक अधिकार कहता है आप सबके पास मानव होने के नाते एक समान अधिकार है, एक समान शक्ति है, एक समान सामर्थ्य है, सब कुछ दिया। अगर किसी ने इस सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करते हुए उस प्राकृतिक अथवा सार्वजनिक वस्तु में अपना खुद का श्रम मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, कोई नया व्याख्या, नया प्रतिपादन कर दिया, नई चीज स्थापित कर दी, तो वो उसका निजी स्वामी कहलाता है और ऐसे निजी स्वामी की
वो निजी संपत्ति बन जाती है, और ऐसे निजी संपत्ति को उस व्यक्ति से बिना पूछे कोई ले नहीं सकता। ये श्रम का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने, लेकिन ये बहुत छोटे में नहीं है जितने में आज हमने पढ़ डाला। अभी हमें जॉन लॉक का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जहां थॉमस हॉब्स का देंगे एक ही समझौता हो गया और दो लोग जन्म ले लिए राज्य और सरकार, ये कहेंगे अलग अलग तरीके से। फिर इसके बाद सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात इनसे आगे बढ़कर रूसो कह देंगे, जहां वो क्या करेंगे पूरे समाज को संप्रभु बना देंगे, लेकिन पूरे जनता को फिर से लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। यानी अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। यूं ही विचारक ऐसे विचार दे नहीं देते हैं, इनके विचारों पर उन कालखंड परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी हमें क्या क्या पढ़ना होगा? अभी हमें जॉन लॉक तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी हमें प्राचीन कालीन विचारक अलग पढ़ने हैं, मध्यकालीन विचारक अलग पढ़ने हैं, आधुनिक कालीन विचारक अलग पढ़ने हैं। प्राचीन काल यूनान में ही क्यों जन्म ले रहा है, कहीं और क्यों नहीं ले रहा है? यूनान में सबसे पहले सुकरात ही क्यों आ गए अपने आदर्श लेकर? इन सब पर चर्चा करनी है। ये बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बड़ी असंभव प्रक्रिया भी नहीं है। लेकर चलना है, पढ़ते चलना है, और इसको कितने इजी तरीके से पढ़ा दे ये हमारा काम है। हमारे साथ अथक परिश्रम करके अपनी सफलता को कितने सरल और सहज तरीके से प्राप्त करते हैं ये आपका काम है। बात समझ में आई? तो जॉन लॉक पे अभी बहुत लेक्चर बाकी है, मिलेंगे एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहें, पढ़ते रहें, और अपने को आंक लें कि कितना हमें और मेहनत करना है। ठीक, बाकी हमारी संस्थान, हम सब आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।